सिखा सकता है जो आपने लाइफ में सुना तो था और उसको समझो कैसे। एकलव्य एक ऐसा लाइव एग्जांपल है जिसने गुरु से शिक्षा तो नहीं ली पर गुरु की मूर्ति बना के उसने वो सब चीजें सीख ली। आज की डेट में बिना गुरु के कहते हैं ज्ञान नहीं। ज्ञान तो आपको YouTube भी दे देगा पर प्रैक्टिस कैसे करोगे? तो इसलिए गुरु का आशीर्वाद लेना बहुत बहुत जरूरी है। Always thankful and grateful to those then who made you mature the people yourself. मतलब आपको जिसने अपने आप से मिलाया वो होता है गुरु जी। जैसे कि संदीप सर के पीछे आप एक देख रहे होंगे वहां पे एक अरविंद सर का उन्होंने लगा रखा है, वही है ना सर? अरविंद सर वही है सर, बिल्कुल वही है। पर वो मेरे से एडजस्टमेंट हो नहीं पाई तो इसलिए चाहे मेरी और वाइफ की फोटोग्राफ नहीं आती, अरविंद सर की आनी चाहिए थी पर एडजस्टमेंट हो नहीं पाई। राइट संदीप सर, ऑलवेज थैंक्स टू मच उनके लिए। आवाज कट रही है मेरी सर? जी डियर, आवाज कट रही है आपकी। स्टेटमेंट मैं चेंज कर रहा हूं। संदीप सर की एक बहुत अच्छी खासियत है, वो हमेशा अपने थैंक यू सर। आप दो मिनट सवालों में माइक चेंज कर रहा हूं। जी जी जी। सो दोस्तों, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है आज के इस स्पेशल वेबिनार में। कहीं ना कहीं पे न्यूमरोलॉजी का बहुत बड़ा आशीर्वाद है और बिना न्यूमरोलॉजी के हम अपनी लाइफ को कहीं चला नहीं सकते। तो आप सब लोग भी आज की डेट ऑफ बर्थ लिखें 14/7/2022। बहुत लोग इसमें ऐसे हैं जो मेरे स्टूडेंट हैं, बहुत लोग ऐसे हैं जो शायद नहीं आ रहे हैं, बहुत लोग ऐसे हैं जो मुझे बहुत बारी सुन चुके हैं, बट आज आपको कहीं ना कहीं पे फिर दोबारा से रिकॉल करवाते हैं क्या है ड्राइवर, क्या है कंडक्टर। सो आज की डेट ऑफ बर्थ है 14 जुलाई 2020। हर डेट ऑफ बर्थ में तीन फैक्टर सबके लिए होते हैं। जो भी डेट ऑफ बर्थ आज की डेट में आ चुकी है उसके कहीं ना कहीं पे तीन फैक्टर होंगे। पहला फैक्टर है डेट, इसी डेट को हम मूलांक भी कहते हैं। तो आज का मूलांक या ड्राइवर वो है 5। अरविंद सू सर ने 20 साल पहले 22 साल पहले ये वर्ड्स को सिंप्लिसिटी के अंदर फॉर्मेशन किया था कि ड्राइवर और कंडक्टर ये उनके बनाए हुए आशीर्वाद हैं, ड्राइवर एंड कंडक्टर। सो 14 को अगर आपने ऐड किया तो ये आया 5। ये है आज का ड्राइवर जिसको हम साइकिक नंबर भी कहते हैं या इसको हम मूलांक भी कहते हैं। और बिल्कुल ठीक बताया प्रियंका मैम आपने, अगर हम 1+4+7+2+0+2+2 करते हैं उसका टोटल आएगा 9। करके देखो आप, आज का ड्राइवर है 5 और आज का कंडक्टर है 9। हर डेट ऑफ बर्थ में ये ड्राइवर और कंडक्टर मौजूद रहते हैं। जैसे इंडिया की डेट ऑफ बर्थ है 15 अगस्त 1947। देखो 15 अगस्त 1947, बिल्कुल ठीक पकड़ा जगत भाई। आज की डेट ऑफ बर्थ में एक बहुत बड़ा योग है 492। अगर हम इंडिया की डेट ऑफ बर्थ देखें तो उसमें ड्राइवर आएगा 6 और कंडक्टर आएगा 8। और इंग्लिश पीपल ने जान बूझ के हमारे को तकलीफ देने के लिए हमारा नाम दिया इंडिया, जबकि हमारा ओरिजिनल नाम था भारत, BHARAT। अगर आज फिर दोबारा से हम इंडिया को भारत कर पाए तो हमारा देश सोने की चिड़िया नहीं, सोने का हाथी बन जाए। क्योंकि कहते हैं राम से भक्त राम का नाम, अगर राम का नाम कहीं ना कहीं पे उनको उस पॉइंट पे लेके जा सकता है, उस ऊंचाई तक लेके जा सकता है, तो आपका नाम भी आपको बहुत अच्छा लेके जा सकता है, बहुत आगे तक लेके जा सकता है। क्यों नीरू मैम, क्या कहते हो? आपकी आवाज नहीं आ रही मौर्य मैम।
आपका माइक कहीं खराब है मैम, राहुल भाई जय गुरु जी। आ रही है जय गुरु जी? जी जी मैम आ रही है, आ रही है, आ रही है। जय गुरु जी। संदीप सर एक मिनट दीजिएगा मुझे, देखो वॉइस का एक फ्रीक्वेंसी कम आ रही है, वही चेक कर रहा हूँ सर। किसी को अनम्यूट करके एक बार वॉइस फ्रीक्वेंसी चेक कर देते हैं। सुनीता मैम जय गुरु जी। जय गुरु जी सर। बिल्कुल ठीक आ रही है राहुल भाई। राइट सर, राइट। एक मिनट दीजिए सर। सो जैसे अभी हमने समझा कि इंडिया का जो नेम है वो कहीं ना कहीं पे उसके लिए टेंशन दे रहा है। लाइफ में आपका नाम भी आपके पेरेंट्स ने बहुत सोच समझ के रखा होगा, वो कहीं ना कहीं पे आपके लिए आशीर्वाद है। अब देखो धर्मेंद्र कभी देओल नहीं लगाता, सनी देओल और बॉबी देओल जो है वो बॉबी साथ में देओल लगाते हैं। इरफान खान ने अपना खान हटा दिया, इनकलाब श्रीवास्तव अमिताभ बच्चन बन जाते हैं। सबसे बड़ी बात यही है, अजय देवगन ने अपना देवगन के अंदर चेंजेस करे, काजोल जो है सिर्फ काजोल लिखती है, वो सबसे बड़ी बात है। सबसे बड़ी एक ही मेन चीज है, आप दिल से इस विद्या के साथ जुड़ो और देखोगे कि कितना ये विद्या आपको आशीर्वाद दे सकती है। वो तभी होगा जब आप प्रॉपर लर्निंग के साथ इसके साथ जुड़ के अपनी कहीं ना कहीं पे आशीर्वाद ले सकते हो। जी राहुल भाई बिल्कुल सर, 100% यही है कि न्यूमरोलॉजी के पास अपनी एक वाइब्रेशन है, और जो वाइब्रेशंस आपकी लाइफ को बदलने की ताकत रखते हैं। और बिना न्यूमरोलॉजी के हमारी लाइफ में कैलकुलेट करना मतलब इम्पॉसिबल है, क्योंकि अगर हम एस्ट्रोलॉजी इज इट बिगर साइंस, क्योंकि मदर लैंग्वेज है और वो इतनी वास्ट है, इतनी बड़ी है कि हम उसमें कैलकुलेट करते 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 हमारे 3 जन्म लग जाए। पक्की बात है। न्यूमरोलॉजी इज इट अ सिंपल साइंस टू लर्न, मतलब सीखने में 20 दिन के अंदर आदमी अपने जीवन के पूरे जीवन काल को समझ पा सकता, आने वाले समय को और गए हुए समय को। जिस भी डेट ऑफ बर्थ को अपने हाथ में लेगा उसके दिमाग में उसकी पूरी की पूरी परिभाषा उसके सामने साथ जुड़ी। बिल्कुल, और उसके साथ अगर वो ठीक ढंग से इस विद्या के साथ जुड़ता है तो स्काई इज द लिमिट है। आप लोग हैरान रह जाओगे कि ये कितना बड़ा आशीर्वाद भगवान ने हमें दिया, पर हम कहीं ना कहीं इससे वंचित थे। राइट सर, राइट जी डियर। सर क्वेश्चन लेते हैं अखिलेश। प्लीज 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 बिल्कुल लीजिए डियर, बिल्कुल लीजिए। अखिलेश जी क्या कहना चाहते हैं? जय गुरुदेव सर। जय गुरुजी डियर, कैसे हो आप? बस आपका आशीर्वाद है। बस आज गुरु पूर्णिमा पर थोड़ा सा मुझे एक एडवाइस लेना था आपसे। जी डियर बताइए। एक्चुअली मैंने मेरा क्या भी काफी सारा प्रॉब्लम चल रहा है इस टाइम पे। ओके। तो फाइनेंशियली वगैरह सब मतलब मैनेज नहीं कर पा रहा हूँ अभी, बहुत ज्यादा उसमें हूँ मैं। मेरा जो डेट ऑफ बर्थ है आपकी 2/1/77 है, 2 जनवरी 1977। तो आज गुरु पूर्णिमा बस आपका आशीर्वाद चाहिए, ऐसा कुछ बताइए। गुरु जी का आशीर्वाद है, हम तो भाइयों के साथ खड़े हैं यार, 7/7/14/15/6/2/8 और 1/9 Driver 2 Conductor 9। यस सर। सीधा आपने नेम के स्पेलिंग जो है वो 5 पे ले जाओ, 3 दफा राम स्तुति और 3 दफा आपने हनुमान चालीसा करना ही करना है डियर। मैं सर 50 के उससे 5 पे ला सकता हूँ क्या मेरा नाम? हाँ बिल्कुल ला सकते हो डियर, 5 कहीं से भी आया आशीर्वाद है। अच्छा, मैंने 50 के उसमें 5 पे लाया मैं उसको, और मैंने थोड़ा सा स्पेलिंग चेंज किया मेरा थोड़ा। हाँ। नाम तो कैसे वो करना है बायोप्रिंट मतलब उपयोग उसके लिए? डियर या तो आप किसी अच्छे न्यूरोलॉजिस्ट से मिलो या हमारे ऑफिस में आओ, आपको वहीं पे सब चीजें समझ में आएंगी।
अच्छा सर, क्योंकि कहीं ना कहीं पे हमारा कोर्स आने वाला है। बात ये नहीं है कि 50 पे लाके कितना बड़ा आशीर्वाद है, उसके साथ और बहुत बड़ी चीजें हैं जो आपको कहीं ना कहीं पे ऐड करनी पड़ेगी। हाँ जी सर, तो इसलिए आओ इस साइंस को सीखो, क्योंकि कल को हो सकता है आपको कंपनी का नाम बनाना हो तब ये काम आएगी, कल को बच्चे का नाम चेंज करना है वो काम आएगी। ये एक ऐसी छोटी सी साइंस है जो 23 दिन में आप सीख के पता नहीं कितना कुछ अपनी लाइफ में लेके आ सकते हो। मोबाइल तो नंबर है, वो आपका ही आशीर्वाद चाहिए कि मैं आपको ज्वाइन कर पाऊँ, इसीलिए मैं सब चीजें कर रहा हूँ कहीं ना कहीं से। आओ डियर आओ, मंडे से मेरा कोर्स स्टार्ट हो रहा है। अच्छा, मंडे से, मंडे से बहुत बड़ा आशीर्वाद आपको मिलने वाला है, आप आ जाओ। डेफिनेटली वो तो मुझे ज्वाइन करना ही है सर, बट वही थोड़ा सा क्या मैंने बताया ना, आप काफी सारी टेंशन चल रही है, बहुत सारी प्रॉब्लम चल रही है इस टाइम पे। जी जी जी, उसी के लिए मैंने कहा आपका थोड़ा आशीर्वाद मिल जाता, कुछ रेमेडी मिल जाती है कुछ चीज। ऑलवेज वेलकम डियर, रेमेडीज के नाम पे यही है, 3 दफा राम स्तुति और 3 दफा राम हनुमान चालीसा करना स्टार्ट करो और देखो कितना बड़ा आशीर्वाद आता है। ठीक सर, ठीक सर, ठीक सर, जय गुरु जी सर, जय गुरु जी डियर। राइट सर जी डियर, सपन शिवानी जी से बात करते हैं। जी शिवानी जी, शिवानी मैम, जय गुरु जी। जय गुरु जी सर। जी मैम, कैसी हैं आप? सर थोड़ी ठीक नहीं हूँ, ठीक होने की कोशिश कर रही हूँ। ग्रेट। 4/6/1980 4/6/1980 4/6/1980 ड्राइवर आपका 4 है, कंडक्टर आपका 1 है, वन ऑफ द बेस्ट कॉम्बिनेशन इन न्यूमरोलॉजी। जी। बहुत बड़ा आशीर्वाद है लाइफ में, अगर और आशीर्वाद चाहते हो तो अपने नेम के स्पेलिंग को 5 पे ले जाओ। न्यूमरोलॉजी का सबसे बड़ा योग है 4, 5, 6 का आना किसी की भी डेट ऑफ बर्थ में, और आपकी डेट ऑफ बर्थ में भगवान ने ये बहुत बड़ा आशीर्वाद दिया है। तो आप जैसे ही इस 5 से आशीर्वाद लेके आओगे, आप देखो आप कितनी ब्लेसिंग्स आ जाती है। आज के बाद कभी भी आपने ब्लैक और डार्क ब्लू कपड़े नहीं पहनने हैं, जैसे थर्सडे को कुछ लोग येलो पहन लेते हैं, आपने वो येलो पहन सकते हो, डेली बेसिस पे रेड या व्हाइट पहन सकते हो, बस ब्लैक और डार्क ब्लू से दूर रहो। जी सर, बाकी सर, हेलो। जी जी मैम बताइए। सर हेल्थ इश्यूज के लिए थोड़ा सा वगैरह मुझे कुछ, उसके लिए सबसे बढ़िया आशीर्वाद है कि आप जितना हो सके आंट्स की सेवा करो, डॉग्स की सेवा करो, 3 दफा राम स्तुति और 3 दफा हनुमान चालीसा, ये रोज करना है आपने। जी। 3 दफा राम स्तुति सुबह स्नान करने के बाद और रात को सोने से पहले 3 दफा हनुमान चालीसा। शिवानी इतना इतना आशीर्वाद आया है, लोग इतने इतने मुझे थैंक्स भेजते हैं ओनली बिकॉज ऑफ दिस स्पेशल रेमेडी। आप करके देखो, आप खुद मुझे दिल से थैंक्स भेजने वाले हो इसके बाद। बिल्कुल सर, बिल्कुल, थैंक यू सर। जी जी, ऑलवेज वेलकम। अरविंद श्रीवास्तव जी, जय गुरु जी सर। जय गुरु जी अरविंद भाई, जय गुरु जी। आज मैं बहुत दिन से इंतजार कर रहा था कि आज से क्लास चालू होगी, लेकिन जिस कारण से भी क्लास नहीं शुरू हो पाई। आज थोड़ी मेरी तबीयत ठीक नहीं है यार। जी जी, मंडे से क्लास स्टार्ट करेंगे, मंडे से और दिल खोल के आपको आशीर्वाद देंगे। अभी क्या था कि हमारी दीपा मैडम की क्लास चल रही थी, जो हमने वादा किया था वो क्लास आज समझ लो आज खत्म हुई है। अच्छा अच्छा, तो वो अब क्योंकि टाइम देखना पड़ता है, बहुत सारी चीजें मैनेज करनी पड़ती हैं, तो मंडे से आपको क्लास का आशीर्वाद मिलने जा रहा है डियर। नहीं, एक्चुअल में क्या है ना सर, बहुत इंटरेस्ट हो गया है आपका वीडियो देख देख के, तो एकदम ऐसा लग रहा था, फिर आज कुछ नहीं रहा, तो फिर मैं राहुल भाई से फोन करके बात किया, तो फिर उन्होंने बताया कि कुछ प्रॉब्लम है तो वो होगा। मैं सर अभी मेरी तबीयत ही ढीली थी इसलिए वो सारी बात थी। मैं सैटरडे को लुधियाना वापस जा रहा हूँ, मंडे से क्लास स्टार्ट। ठीक है सर, ठीक है। ये बोल रहा था सर कि मैं अभी थोड़ा सा मेरी बेटी को लेके मैं थोड़ा सा प्रॉब्लम, अभी मैंने 20 मई को उसकी शादी हुई है। जी जी जी। और उसके बाद से थोड़ा, शादी के बाद से ही तुरंत बाद से वो दोनों का कुछ ना कुछ इश्यू चल रहा है। मतलब अभी तो बहुत सारे आपने जो बताए हैं उपाय वीडियोस में, उसको करवा के और मैं करके मतलब कुछ हद तक तो राहत है, तो वही मैं सोच, मतलब ये कब तक उनकी प्रॉब्लम रहेगी, ऐसा कुछ अपन तो उसके लिए ना बहुत सारी चीजें देखनी पड़ेंगी। आप मंडे से क्लास में आओ, एक एक चीज को समझो, क्योंकि 23 दिन की क्लास है, कोई लंबी चौड़ी कहानी नहीं है यहाँ पे। 23 दिन की क्लास है, आप इसको
प्रॉपरली जब सीखोगे समझोगे तो सारा आशीर्वाद आएगा। जी जी जी, मैं नहीं कह रहा कि कोई इस छोटे से टाइम में, एक दो मिनट के टाइम में मैं कोई ऐसी कोई चीज बता दूं, नहीं तो बिटिया को बोलो जो रामबाण रेमेडी है काउस की सेवा वो जरूर करें। मैं आज एक्चुअल में सर दिक्कत यह है कि ससुराल में है, अब वो वहाँ निकल पाना और ये सब चीजें हैं, नया नया शादी हुआ है तो वहाँ संभव नहीं है, ये वाली बात है। देखो मैंने बताया तो है, अच्छा नहीं कर सकते तो आंट्स की चींटियों की सेवा कर दे। हाँ, वो एक किलो आटा ले ले, आधा किलो बूरा चीनी ले ले, दोनों को मिक्स करके अपने हाथ से रोज सुबह चींटियों को डालना स्टार्ट कर दे। तीन दफा राम स्तुति सुबह स्नान करने के बाद, रात को सोने से पहले तीन दफा हनुमान चालीसा, देखो कितना आशीर्वाद आता है। जी जी जी, हमारे पास एक शादी का मैरिज कार्ड है, मास्टर पायरा कार्ड, वो आप उनको बनवाओ दोनों मियां बीवी के लिए, देखो उनके लाइफ में कितने कितने ढेरों खुशियां आने वाली हैं। अच्छा अच्छा, जी जी जी, ठीक है सर, ठीक है सर। ऑल द बेस्ट अरविंद भाई। सर मैं एक चीज और पूछना चाह रहा था, मेरा जैसे ड्राइवर 5 और कंडक्टर 3 है, तो मेरे नेम स्पेलिंग किस पे जाने चाहिए सर? आपकी नेम की स्पेलिंग जो है वो 1 पे जाने चाहिए। 1 पे तो है, सिर्फ अरविंद श्रीवास्तव अगर लिखता हूँ तो 7 पे जा रही है, और अरविंद भर बोलते हैं पे ले जाओ, वरना आपको हेल्थ इशू आएंगे, आपको 73 का 160 आपका आ गया, 73 या 64 का 1 अगर जाता है वो भी ठीक है, अगर 55 का आए तो सबसे बढ़िया है। अच्छा जी, मेरे पास टोटल, अच्छा ऐसा बोल रहे हैं जी, ठीक है सर, ठीक है, ठीक 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 सर। जय गुरु जी, जय गुरु जी सर, जय गुरु जी, जय गुरु जी। राइट, सो सरिता मैम से बात करते हैं। सरिता मैम, जय गुरु जी सर, मैं आपके आपको बहुत बहुत शुक्रिया करना चाह रही हूँ, आपके 6 नंबर की रेमेडीज में मेरे को बहुत फर्क पड़ रहा है, बहुत बहुत शुक्रिया आपके लिए। ग्रेट मैम, हम तो चाहते यही है मैम, ये छोटे छोटे वेबिनार करते हैं, क्यों करते हैं? आज मेरे को राहुल भाई को ये करते हुए 2 साल हो गए, 2 साल में पता नहीं कितने टेस्टिमोनियल हमारे पास आए कि आपके ये वेबिनार से ही, हमारे कुआ नंबर से, 1-5 से, 6 की रेमेडी से, 3 की रेमेडी से कितने कितने काम बने। हमारा पर्पज ही यही है कि आप लोगों को खुशियां मिले, आप हमें थैंक्स भेजते रहे। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत ब्लेसिंग सर आपको। सर मेरे को मेरे बेटे के बारे में पूछना है। ओके जी। उसका 18-2-1991 है। ओके जी। उसका 9-2-1991। ओके जी। 9 और 4 का कॉम्बिनेशन है। ठीक है मैम, बताएं कोई अभी तक सर्जरी हुई क्या बेटे की? नहीं नहीं सर। इससे ध्यान रखना, बेटा नॉन वेज तो नहीं खाता मैम? खाता है। बस मैम ध्यान रखवाओ, क्योंकि ये सर्जरी का योग है, ये ब्लड लॉस का योग है, नो डाउट। बेटे का 4-9-2 पूरा आ रहा है, दिमाग बहुत जबरदस्त है, बेटा 3 बारी 9 लेके बैठा है, बहुत आशीर्वाद है, 3 बारी 1 लेके बैठा है, उससे भी बड़ा आशीर्वाद है। बट बेटा अगर नॉन वेज खाना बंद नहीं करेगा, हेल्थ इश्यू बढ़ते जाएंगे मैम। सर प्रॉब्लम ये है कि अभी तक ये सेट नहीं हो पा। कोई बात नहीं मैम, क्या करना चाहता है बेटा? सर ये टूर एंड ट्रेवल्स में ज्यादा जाना चाहता है, इसने है ना ऋषिकेश में 5 साल तक टूर एंड ट्रेवल्स का बहुत अच्छा मैनेजमेंट का किया है, पूरा 3-3 रिसोर्ट संभाला है, पर करोना में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो गई, रिसोर्ट से सब बंद हो गए जी मैम, तो थोड़ा स्ट्रगलिंग है उस। देखो मैम टेंशन तो है, क्योंकि इनके पास कोई नंबर नहीं है टूर एंड ट्रेवल वाले, पहली चीज इनको बोलो थर्सडे के थर्सडे 9 पीसेस फ्रूटी बांटनी है और ये होल लाइफ बांटनी है, अगर ये करेंगे तो उससे सपोर्ट आ जाएगा, वरना ये काम इनके लिए नहीं है। इनके लिए आईटी का काम, इनके लिए कहीं ना कहीं पे कुछ टीचिंग का काम, ट्रेनिंग एजुकेशन का काम, वो इनके लिए सबसे बढ़िया सुटेबल रहेगा। नहीं वो वहाँ टूर एंड ट्रेवल्स में जो रिसोर्ट में था वो जैसे मैनेजमेंट तो करता था और थोड़ा सा सिखाता भी था, ये जो क्या आउटडोर्स के जो होते हैं ना वो सब सिखाता था। मैम थोड़ा सा नहीं सिखाना, इनको 99% सिखाना है, ट्रेनिंग है। जितना ये ट्रेनिंग के साथ जुड़ते जाएंगे, जितना ये इंश्योरेंस के साथ जुड़ेंगे, जितना ये हेल्थ के साथ जुड़ेंगे, हॉस्पिटैलिटी के साथ जुड़ेंगे, जितना ये मेडिक्लेम के साथ जुड़ेंगे, उतना इनके लिए आशीर्वाद आएगा मैम। सर जॉब का योग है, अगर जॉब करे तो कोई बिल्कुल योग है मैम।
पर्सनल ईयर 8 आ गया है, टेंशन अभी देगा, अगला पर्सनल ईयर 9 आ जाएगा, भी टेंशन देगा, पर्सनल ईयर 2024 में 1 आएगा, वही आशीर्वाद देगा। उसका एक ही सोल्यूशन है, जितना हो सके राम स्तुति करते रहे, हनुमान चालीसा पढ़ते रहे। सर आजकल के बच्चे कहाँ पढ़ते हैं, वो फ्रूटी वाला जरूर करवा दूंगी। डॉक्टर तो दवाई दे सकता है, डॉक्टर दवाई दे सकता है, करना या ना करना उनका प्रारब्ध। ये मेजर प्रॉब्लम है आजकल के बच्चों के साथ, पर फ्रूटी जरूर करवा सकती हूँ, 9 फ्रूटी ना थर्सडे को। समथिंग इज बेटर देन नथिंग, बिल्कुल करवाओ। ठीक है सर, थैंक यू सर, ग्रेटिट्यूड सर, थैंक यू जी, थैंक यू, थैंक यू सर। जी प्रीति तिवारी मैम। सर मैं पोस्टर 2 मिनट में दे रहा हूँ। जी सर। जय गुरु जी सर। जय गुरु जी मैम। जय गुरु जी, कैसे हैं आप? ठीक हूँ मैम, बिल्कुल। आपको गुरु पूर्णिमा का बहुत बहुत प्रणाम, बहुत बहुत आशीर्वाद मैम, गुरु जी कृपा आप पे बनी रहे। हाँ मुझे ये पूछना है सर कि मेरा बेटा है, उसका डेट ऑफ बर्थ है 15th May 1997। दोबारा बोलो मैम, 15th May 1997। तो बस उसके करियर मेन, तो करियर एक थोड़ा रिस्पॉन्सिबल नहीं है, वो थोड़ा रिस्पॉन्सिबल हो जाए बस। मैं तो यही, सबसे बड़ी बात, पढ़ाई में तो बहुत अच्छा है, एक राजकुमार आपके घर में आया है, आप ये समझ लो बस। हाँ हाँ बहुत अच्छा है, वैसे पढ़ाई में भी बहुत अच्छा है जी। और वैसे भी बहुत अच्छा है, एज अ पर्सन भी बहुत अच्छा है, बहुत अच्छी सोल है। मुझे तो बहुत ज्यादा ज्यादा उससे वो है, बट मुझे यही लगता है कई बार ना वो थोड़ा सा मिसगाइड हो जाता है। और अभी अभी थोड़ा सा, हालांकि इसको सबसे बढ़िया एक ही तरीका है अपनी राह पे निकालने का, इसको फॉरन भेज दो एजुकेशन के लिए या परमानेंट सेटलमेंट के लिए। फ्राइडे के फ्राइडे मैं सोच तो रही थी, लेकिन हाँ जी फ्राइडे के फ्राइडे इस बच्चे के हाथ से आपने 15 आइसक्रीम मिटवानी है, वेनिला आइसक्रीम, ये हर हर हफ्ते करनी ही करनी है। जब ये बच्चा अब्रॉड चले जाए तो वहां पे गुरुद्वारे में जाके 2 किलो दूध, 2 किलो चावल, 2 किलो चीनी बांटना। अच्छा हर फ्राइडे, हर फ्राइडे जब इंडिया में है आइसक्रीम बांटना। ठीक है, और इसका करियर अच्छे से सेट हो जाएगा। अभी तो एक्चुअली इसने बीटेक किया है सर, बीटेक करके आईटी में, और अभी इसकी पूरा भी नहीं हुआ था इसका, तभी इसने जॉब ज्वाइन, बट आईएएस करना चाहता है, कर पाएगा क्या? करवाओ मैडम, बिल्कुल करवाओ। 99 लेके बैठा है, 55 लेके बैठा है, 111 है, 111 है, 6 नंबर है, बिल्कुल कर सकता है, करवाओ। हाँ पर सर एक मिनट, मैं बस यही चाहती हूँ कि ये फोकस हो जाए थोड़ा सा, थोड़ा सा इसके लिए मैम, जब भी पढ़ाई करे फेस हमेशा इसका नॉर्थ की तरफ हो, बैक इसकी साउथ की तरफ हो, फर्क आ जाएगा। हाँ हाँ ठीक है, और बस वो ही है कि कहना, मतलब जो मैं करूंगा वो करूंगा, कहना नहीं कपड़े बिल्कुल मत, बाकी बहुत अच्छा है हर तरीके। येलो कपड़े बिल्कुल मत पहनाओ, ब्लैक और डार्क ब्लू बिल्कुल मत पहनाओ, जब भी ये पढ़ने बैठे ग्रे पहनाओ, देखो आशीर्वाद आ जाएगा। जी जी थैंक यू सो मच, थैंक यू मैम, ऑल द बेस्ट, जय गुरु जी। जय गुरु जी। जी राहुल भाई। रीना मोतीलाल जी। रीना मैम जय गुरु जी। रीना मैम जय गुरु जी। जी रीना मैम। हाँ जी राधे राधे सर। राधे राधे। पहले पहले तो आपको गुरु पूर्णिमा की बहुत सारी बधाइयाँ, और भी मुझे भी आपका आशीर्वाद चाहिए हैं सर। मेरी डेट ऑफ बर्थ है 11/3/1972। मेरे इधर हेल्थ इशू बहुत हो रहा है, बहुत पैसा दवाइयों में जा रहा है। 11/3/1972 बोला आपने? 1972। हाँ जी 11 March 1972। ड्राइवर आपका 2 है, कंडक्टर आपका 6 है मैडम, ये कहीं ना कहीं पे हेल्थ इश्यूज देता ही देता है, स्पेशली फीमेल्स को। जी तो आपने आज के बाद कभी येलो कपड़े नहीं पहनने, येलो आपका सबसे बड़ा दुश्मन है। और मेरा फेवरेट कलर है, मैं बहुत येलो पहनती हूँ मैम। यही तो कारण है कि जितना भी हम पढ़ते हैं इस साइंस में, यही हमें समझाती है, ऑपोजिट नंबर अट्रैक्ट ईच अदर। ठीक है, ब्लैक
और कहीं ना कहीं पे डार्क ब्लू और येलो कपड़े आपके दुश्मन है। जितना हो सके फ्राइडे को भगवान की शरण में जाओ, कम से कम 15 गरीब बच्चों को या तो खीर बना के बांटो या उनको आइसक्रीम खिलाओ, ये आपकी हेल्थ में प्रॉब्लम का सलूशन देगी। और सुबह स्नान करने के बाद 3 दफा राम स्तुति और रात को सोने से पहले 3 दफा हनुमान चालीसा, और अपने लेफ्ट हैंड में इस पॉइंट पे 319 रेड से लिखो, पेन से लिखो, ब्लू पेन से, रेड पेन से आप लिखो, अगर मार्कर मिल जाए तो सबसे बढ़िया है 319। तो ये किसी भी दिन रोज लिखना है ना? रोज लिखना है, रोज, क्योंकि हमें हेल्थ प्रॉब्लम का सलूशन चाहिए तो इसको हमें रोज लिखना है। जितना इसको रोज लिखते जाओगे आपको समझ में आता जाएगा कि कितना बड़ा आशीर्वाद है। और हमारे साथ नीरू मैडम जुड़ी हुई हैं। नीरू मैडम जय गुरु जी। जय गुरु जी, कैसे हैं सर? बहुत बढ़िया नीरू मैम, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। आपको सर गुरु पूर्णिमा की हार्दिक शुभकामनाएं। आपको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं मैम, गुरु जी का आशीर्वाद बिल्कुल बना रहे, आपके पूरे परिवार में बना रहे। रीना मैडम की डेट ऑफ बर्थ है 11th मार्च 1972। रीना जी, आपको अपना एग्जैक्ट टाइम पता है? रीना जी आवाज चली गई सर। मैडम आपको अपना एग्जैक्ट एग्जैक्ट टाइम पता है? अपना एग्जैक्ट टाइम पता है? हाँ जी, 11:23। आप श्योर उस बात के लिए? हाँ जी, एक सेकेंड। और उस दिन एकादशी का दिन था, कृष्ण पक्ष की एकादशी। कहाँ का बर्थ है आपका? बर्थ कहाँ का है रीना जी? रीना जी जी, आपका बर्थ कहाँ का है, पैदाइश कहाँ की है? बिजनौर, बिजनौर। आपका टाइमिंग बताएंगे आप? टाइमिंग सर मैम, और डेट, एक तो आपका क्या है डेट ऑफ बर्थ? 11 मार्च 1972। जेन्युइन है ना जी? एक सेकंड, और टाइमिंग आपने क्या बताया था मैम? 10 या 11 है मंडे, सुबह 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 मंडे का दिन था, लेकिन 10-11 से नहीं चलेगा। 10 बज के 23 मिनट, 10:23 क्योंकि जहाँ आपने देखिए, जहाँ इसको लेते ना, हाँ, याद आ गया मेरी पर्टिकुलर जी। 10:10 है। आपको अपना वैसे पता है? नहीं, मेरे को कुछ नहीं पता, पहली बार ही गुरु जी से मिली। कभी एस्ट्रोलॉजी नहीं कभी पूछा? नहीं, ऐसे नहीं पूछा, फर्स्ट टाइम है, मेरी फ्रेंड ने मुझे ये नंबर दिया है। ओके, डन। बहुत अच्छे। हाँ, आप मुझे एक चीज बताइए जी, आपके साथ क्या ऐसा कुछ ब्लॉकेज, कहीं पे कोई ब्लॉकेज का इश्यू है? हाँ मैम, पहले था जब बच्चे नहीं हुए थे तब था, फिर ये बच्चे बच्चे हो गए तो फिर नॉर्मल हो गया, तो थोड़ी सी सर्जरी हुई थी। Okay. हाँ, और अब मेरे यूट्रस में सिस्ट प्रॉब्लम है। एक्चुअली सिस्ट क्या है, वो भी एक तरह की ब्लॉकेज है। हाँ, वो सिस्ट है, वो सिस्ट का इश्यू दिख रहा है। अच्छा एक चीज बताओ, नींद का कितना प्रॉब्लम है? नींद आती है टाइमली? नींद टाइमली आ जाती है, और अगर बीच में उचट गई 3-4 बजे तो जल्दी नहीं आएगी, फिर मैं बहुत भगवान का ध्यान करूंगी तब फिर आएगी। 6 या 7 बजे अभी नहीं आया तो पूरे पूरे चांसेस बन रहे हैं। बाकी हाँ, आपका इस समय जो टाइम चल रहा है दैट इज 2007, अभी जुपिटर है आपका जी। ओके ग्रेट, अब मुझे एक चीज और बताना, आपको ऐसा भी कोई इशू लग रहा है क्या आपके बोन्स में? Yes. कुछ ऑर्थराइटिस इशू? यस यस, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। घुटने में, लेफ्ट घुटने में बहुत दर्द है, और फिजियोथेरेपी चल रही है,
और बहुत दवाइयां चल रही हैं, मैं परेशान हो गई हेल्थ इश्यू लेके ना। अब बिल्कुल भी टेंशन मत करो उससे रिलेटेड, क्योंकि वो क्लियर इंडिकेशन मुझको दिख गया यहाँ पे आपका। और एक चीज और बताना, यूट्रस में आपके सिस्ट होना, वो क्लियरिटी अगर आप नहीं भी बोलते, भी आपको नेक्स्ट पॉइंट में यही बोलने वाली थी कि आपके वो भी क्लियर इंडिकेशन है। अच्छा एक चीज और ख्याल रखिएगा, एक बार क्या डॉक्टर ने बोला है कि यूट्रस रिमूव कराना पड़ेगा? रीना जी उनके नेटवर्क इशू है। अच्छा ना, वो बार बार एक कॉल ड्रॉप हो रही है, फिर वो अच्छा। कनेक्शन में आ रहे हैं, वो मेन चीज है। तो अभी नहीं है क्या रीना जी? नहीं है। अच्छा। वो अपने भी लिंक जुड़ जाता है, फिर अपने आप वो कट जाता है। जी जी समझ गए मैं, समझ गए। आप बता दो सॉल्यूशन, सुन लो, नहीं तो क्या होगा ना, वो कहीं ना कहीं पे रेमेडी सुन रिकॉर्डिंग में, रिकॉर्डिंग में चला जाएगा। ठीक है। देखिए यहाँ पे जो हम घुटनों का दर्द की बात कर रहे हैं ना, बहुत ज्यादा उसके लिए हम बहुत सिंपल एक दो रेमेडीज करेंगे विच इज गोइंग टू वर्क आउट लाइक अ मिरेकल। ओके, अगर ये किसी बहते हुए पानी में एक कॉपर का सिक्का 43 डेज तक अगर बहा दें, तो एक तो इनको ये बहुत अच्छी रेमेडी बहुत सटीकता से काम करेगी। एक कॉपर का सिक्का बहते हुए पानी में 43 डेज तक, शुक्ल पक्ष से शुरू करते हुए मंडे के दिन से आप ये बहाना शुरू कर दीजिए, इट विल बी वेरी हेल्पफुल। एक सेकेंड पॉइंट, अपने पिताजी की, अपने फादर अगर हैं या अपने फादर तुल्य ससुर जी हो, उनकी भी रेस्पेक्ट करें, उनके चरण स्पर्श कर सकते हो, या कहीं पे कोई आपको फादर की एज के समान कोई व्यक्ति मिल जाए तो आप उनको कुछ भी खाने का सामान जरूर गिफ्ट करके आइए, कुछ भी उनको गिफ्ट कीजिए, ब्लेसिंग्स लेनी है बेसिकली। अभी क्या सिचुएशन बन रही है यहाँ पे, ये मैं बिल्कुल क्लियर इंडिकेशन दिख रहा है कि यहाँ पे इनको एक तो ब्लॉकेजेस हैं और घुटनों में जो दर्द आ रहा है उसको ये सटीकता से काम करेगा। क्या अभी मैं रीना जी मेरे से कर सकती कि मेरे को एक्चुअली वॉइस, रीना मैम नेटवर्क में नहीं है, वो रिकॉर्डिंग में सुन रही। एक तो ये चीज जरूर डेफिनेटली इनसे करवाइएगा। अगर घर में कोई भी एक चक्की, वो नहीं होता आजकल छोटी छोटी चक्की आ गई है, आप घर में जैसे पीसने वाला आटा पीसने वाला या कुछ चने की दाल या कुछ भी दालें पीसने वाली चक्की आती है, उसको भी घर में रख सकते हैं। ये है एक रेमेडी विच इज गोइंग टू वर्क आउट इन दिस केस। अब आती है मेडिकल की, क्योंकि हम अंकों के खेल के माध्यम से आप सभी के लिए मेडिकल एस्ट्रोलॉजी लेके आएंगे। देखिए मेडिकल एस्ट्रोलॉजी में बहुत, एक सेकंड दो, सबसे पहले मैं आप सबको बताना चाहता हूँ, संदीप सर की क्लासेस आ रही हैं 18th ऑफ जुलाई से। जी, इट्स गोइंग टू बी अमेजिंग क्लासेस, कंप्लीट प्रोफेशनल इम्यूनोलॉजी कोर्स, नथिंग हाइड हियर, यानी यहाँ कुछ छुपा नहीं है, आपको पूरा का पूरा ये कोर्स कंप्लीटली 12345 प्लस 18% जीएसटी वाला 1467 मिलता है, जिसमें स्टडी मटेरियल, ई सर्टिफिकेशन, लाइव क्लास, रिकॉर्डिंग मिलती है। पायर यंत्र बहुत ही कमाल की चीज है, प्योर सिल्वर का, वर्थ वैल्यू 6000 रुपीज का एक पायर यंत्र, जिसकी डेट ऑफ बर्थ में आपके जो मिसिंग नंबर है उसके लिए पूरा का पूरा एक सॉल्यूशन है एक तरीके से। वो पूरा का पूरा सॉल्यूशन वाला यंत्र आपको प्रॉपरली गिफ्ट किया जा रहा है गुरु जी की ब्लेसिंग से। साथ ही एक क्लास चालू होने वाली थी निम्रोवास जो हो रही थी 10 तारीख को, ड्यू टू सम रीजन ये क्लास चालू हो रही 19 रात के 9:30 का बैच, जिसकी वर्थ वैल्यू है 7080 रुपए। जी हाँ, आपको वो पूरी की पूरी क्लास 7080 रुपए संदीप सर के कोर्स को ज्वाइन करने पर आपको प्रॉपरली गिफ्ट दी जाए। दिस टाइम यू गेटिंग द फ्री, कंप्लीटली फ्री कोर्स, आपको एक कोर्स के साथ निम्रो वास्तु का पूरा कोर्स आपको फ्री मिलता है, जिसके अंदर सर्टिफिकेट और रिकॉर्डिंग भी आपको दी जाए। इसकी टोटल वैल्यू है 14567, जिसकी वर्थ वैल्यू 14567, 18 जुलाई को चल रहा है, 2 बैच है, 3 से 5 और 7:30 से 7:30। बहुत ही अमेजिंग तरीके से क्लासेस होने वाली हैं और
बेसिक टू एडवांस, एडवांस टू प्रोफेशनल, प्रोफेशनल टू प्रिडिक्शन, प्रिडिक्शन टू रेमेडियल पार्ट प्रॉपरली कवर किया था। यहाँ बेसिक अलग नहीं, एडवांस अलग नहीं, पूरे के पूरे आपके सारे के सारे चैप्टर 23 दिन के अंदर ये कंप्लीट किए जाते हैं लाइव 2 आवर्स पर डे। संदीप सर आपको पढ़ाते हैं, राइट? टू ज्वाइन दिस वंडरफुल क्लासेस यू कैन कनेक्ट विद मी एट 7715930000। आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं 7715930000, राइट सर? जी जी यस। सो ये क्लासेस ज्वाइन करने के लिए आप लोग कनेक्ट कर सकते हैं। न्यूमरोलॉजी आपकी लाइफ के अंदर वो टर्मिनली चेंज लेके आता है क्योंकि हम चारों तरफ एक नंबरों से गिरे हैं। बिल्कुल राइट। हमारे पास दिनचर्या के अंदर, पूरे दिन के अंदर हमें हर जगह हर मोमेंट पर कहीं ना कहीं नंबरों का ही सहारा लेना पड़ता है। अगर मैं देखने जाऊं तो हमारा गाड़ी जिसका नंबर हमारे साथ जुड़ गया है, हमारा मोबाइल नंबर जो हमारे साथ जुड़ गया है, जो घर में रहते हैं उसका नंबर हमारे जुड़ गया, हर नंबर मतलब डेट ऑफ बर्थ के अलावा भी हमारे इतने सारे नंबर है जिसकी वाइब्रेशन हमारे साथ जुड़ी हुई है। तो आप लोगों को ये बात समझनी पड़ेगी कि आपके जीवन में उन सब नंबरों की ब्लेसिंग से लेके आप अपने लाइफ को कैसे स्मूथ एंड बेटर कर सकते हैं, ये बात आपको सुना। जी राहुल भाई, right? To join these wonderful classes, you can connect with me at 7715930000। संपर्क कर सकते हैं, पूरी कोर्स डिटेल की जानकारी के लिए आप उससे बात भी कर सकते हैं। गूगल पे, फोन पे, पेटीएम, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, ईएमआई ऑप्शंस आप लोगों के लिए अवेलेबल है। राइट सर? जी डियर। स्वागत है नीरू त्रिपाठी मैम, कैसे हैं आप? नीरू मैम, जय गुरु जी। अनम्यूट करें मैम, अनम्यूट करें, आप म्यूट हैं। जी जय गुरु जी, बहुत बढ़िया। हैप्पी गुरु पूर्णिमा मैम। हैप्पी गुरु पूर्णिमा टू यू टू। पर ब्लेसिंग ऑफ गुरु जी, नीरू त्रिपाठी मैम ने अभी पीछे एक बहुत ही सुंदर रेमेडी क्लास की थी। दो बैच थे जिसके अंदर 12 बजे एक बैच था रात का 9:30 बजे। ऑलमोस्ट 150 स्टूडेंट वॉज देयर जिनको बहुत अच्छी ब्लेसिंग मिली थी मेडिकल समटाइम इट्स हैपेंड, मतलब आप लोगों ने बहुत से बच्चे मिस कर गए होंगे इस ऑफर को। सो आज हम लोग आपके लिए मेडिकल एस्ट्रोलॉजी की जो पूरी की पूरी क्लास आने वाली है, 5 दिन का कंप्लीट वर्कशॉप जो आने वाला है वो आप लोगों के लिए लिखे है। मेडिकल एस्ट्रोलॉजी क्या होती है, किस तरीके से काम करती है आपको आज समझेंगे हम, उससे हमें क्या फायदा। एक्चुअली मेडिकल एस्ट्रोलॉजी का कोर्स नहीं है, यह रेमेडियल मेडिकल एस्ट्रोलॉजी। इस रेमेडियल मेडिकल एस्ट्रोलॉजी को हम कैसे समझते हैं, हम बात करते हैं नीरू मैम से। नीरू मैम, जय गुरु जी। जय गुरु जी। प्लीज थोड़ा एक्सप्लेन करें कैसे। बिल्कुल अच्छे से एक्सप्लेन करती हूँ, आप अच्छे से समझिएगा। जब भी हम बात करते हैं मेडिकल एस्ट्रोलॉजी की, देखिए एस्ट्रोलॉजी अपने आप में एक बहुत बड़ा वर्टिकल है, आप सभी बात जानते हैं। जब भी हम एस्ट्रोलॉजी का नाम लेते हैं ना, तो सबके जहन में एक ही बात आती है, तो बहुत मुश्किल है, सालों साल लग जाते हैं, और तब भी हमें वो चीज उस लेवल पे नहीं समझ में आती क्योंकि इसमें बहुत सारी कॉम्प्लिकेशंस होती हैं। तो थॉट प्रोसेस अंकों के खेल पे हम सभी का यही माध्यम था कि आने वाले टाइम पे जो अभी समय चल रहा है, कोविड के कारण या बिना कोविड के कारण भी बहुत से ऐसी चीजें, हेल्थ इश्यूज हमारे साथ आए जिसका हम चाहते सोल्यूशन निकले, उसका निवारण निकले, या वो कौन सी बीमारियां हो सकती है जो हमें आने वाले टाइम पे घेर सकती हैं, तो पहले ही उसका प्रिकॉशंस कर ले। तो आप अगर ये काम करके देखिए, अगर स्वास्थ्य अच्छा है तो जीवन जीने का मजा है, और स्वास्थ्य अच्छा नहीं है तो जीवन चाहे आपकी सुख सुविधा से भरा हुआ हो बट एक्चुअली में वो बेकार लगता है। तो सर्वप्रथम जरूरी है हमारा एक अच्छा स्वास्थ्य। अच्छा स्वास्थ्य रहेगा तो हम लोग अर्न करने का प्लान कर पाएंगे। तो यहाँ पे क्या है, इस लाइन में आके अगर आप ऑकल्ट लाइन को ऑनेस्टली ले लें तो बहुत सारे मेडिकल इश्यूज आपके वहां पे वर्कआउट होने लगते हैं धीरे धीरे, क्योंकि आप यहाँ पे ईश्वर से कनेक्ट होने लगते हैं। जब आप अपने अपनी सोल को प्योर करते हैं तो काफी सारी आपकी समस्या वहीं पे एंड हो जाती है। तो अब आप इस कोर्स में करने क्या वाले हैं,
यहाँ पे बहुत से ऐसे लोग बैठे होंगे जिनको एस्ट्रोलॉजी नहीं पता हो, जिनको नहीं पता होगा कि हम किस तरीके से मेडिकली कैसे सिंपल तरीके से जान सकते हैं, सिंपलेस्ट वे। इसमें बहुत कॉम्प्लिकेशन बिल्कुल भी नहीं सिखाऊंगी, इतने सिंपल तरीके से आपको सिखाऊंगी कि कैसे आपने चार्ट देखना है, किस चीज से। एक कुंडली के अंदर 12 घर होते हैं, हर घर का क्या मीनिंग होता है, उसकी डेप्थ में सिर्फ नहीं, उसका से ऊपर ऊपर जाएंगे। रीजन मेडिकल की बात कर रहे हैं यहाँ पे, मेडिकल में किस चीज को देखेंगे, और सिंपलेस्ट तरीके से आपको खुद पता लगने लगेगा। आपके पास कोई सामने कोई व्यक्ति आएगा और आपको एक बार आपने उसका चार्ट एनालाइज किया, आप उसके बैग के साथ बोलोगे आपको ये 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 वाला प्रॉब्लम हो रहा है मेडिकल, एंड ही बी शॉक्ड। वो मेडिकल इश्यूज किस किस एंगल से आपके पास आ सकते हैं, उन सारे वर्टिकल्स पे सिंपल तरीके से हम 5 दिन में सीखेंगे। एंड आप सभी थैंकफुल होना, अंकों के खेल के माध्यम से ऐसे यूनिक चीज है ये। आप सभी बहुत सिंपल, बिल्कुल अच्छे सिंपल फॉर्म में देख पाएंगे। अब कोई प्लैनेट देखिए, हमारे 9 प्लैनेट्स फिक्स रहेंगे, हमारी कुंडली में 12 हाउसेस फिक्स रहेंगे, लेकिन उन प्लैनेट्स का किस घर में बैठने से क्या एट्रीब्यूट होता है, कौन सी बीमारी आती है या आने के चांसेस बन रहे हैं, उसके लिए सिंपल रेमेडी क्या करें जिसका श्योर शॉट रिजल्ट मिले। तो वी विल बी कैलक्यूलेटिंग एवरीथिंग, वी विल बी टॉकिंग अबाउट एवरीथिंग इन डिटेल्स रिलेटेड टू ऑल दिस। अभी जैसे मैंने रीना मैम से पूछा कि आपको प्रॉब्लम हो रहा है, मैंने क्वेश्चन ये है कि तो मुझे एस्ट्रोलॉजी आती है क्या? हाँ बिल्कुल, बहुत अच्छी बात है राहुल जी। अगर आपको एस्ट्रोलॉजी का ए भी नहीं पता, यकीन मानेगा आपको इतने सिंपल तरीके से एक एक बारीकी से चीज समझाऊंगी। एस्ट्रोलॉजी का बेसिक बताऊंगी कि बेसिकली हम कैसे देखते हैं। हमें ये समझना है कि एस्ट्रोलॉजी के मतलब जो छोटी, जिससे हमें सिर्फ हमारे मेडिकल मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू, हम मेडिकल को एस्ट्रोलॉजी की बेसिस पे कैसे देख सकते हैं। और एस्ट्रोलॉजी कोई बहुत बड़ा, इट्स नॉट समथिंग रॉकेट साइंस विच यू कैन नॉट डू इट, बिलीव मी। अगर एक सिंपल तरीके से, जब मैंने अपने गुरु राजीव सर से सीखा ना, मुझे भी आप लोगों की तरह जो बहुत सारे लोगों ने शायद कभी एस्ट्रोलॉजी के नाम पे, उनको लगता था कि हम किसी पंडित जी के पास जाएंगे, पंडित जी वहां पर चार्ट देखते हैं, फिर बोलते हैं आपको ये प्रॉब्लम है। आप मोस्टली देखोगे पंडित जी डरा देते हैं, अरे अरे आपकी तो ये वाली दिक्कत आने वाली है। प्लीज आई डोंट बिलीव इन दैट। आपने क्योर देना है, डराना नहीं है किसी को। तो थॉट प्रोसेस क्या होगा, वो प्रॉब्लम जो आने वाली है उसको हम कैसे पकड़ेंगे और कितने सिंपल तरीके से पकड़ के उसकी रेमेडी बनाएंगे। अब एक प्रॉब्लम नहीं किसी व्यक्ति को, ऑब्वियसली बात है कई लोगों को मल्टीपल प्रॉब्लम्स आ रही हैं, उनको मिक्स करके सिंपल रेमेडी कैसे बनाएंगे, ये सारी हम कोर्स में सीखने वाले हैं। कौन से पर्टिकुलर प्लैनेट, अच्छा प्लैनेट क्या है, हम देखिए जब हम सर भी पढ़ाते हैं अंकों के खेल पे, आपको जब न्यूमरोलॉजी पढ़ाई जाती है तो उसमें डिस्कशन होता है प्लैनेट्स का, कि 1 नंबर इज सन, 2 नंबर इज मून। तो क्या है, हम प्लैनेट्स को पढ़ते हैं, प्लैनेट्स को जानते हैं एंड उनके एट्रीब्यूट्स को समझते हैं। तो देखिए रहेंगे वही 9 प्लैनेट्स, लेकिन उसको हम किस तरह रीड कर रहे हैं मेडिकल टर्मिनोलॉजी पे, हम उस पर वर्क करेंगे, हम उस पर काम करने वाले हैं। और आप 4th डे आप खुद मुझे बताएंगे, बाकी सब मिलके इतने एक्साइटेड हो जाएंगे आप लोग कि इसमें ये प्रॉब्लम है तो हम ये रेमेडी देने वाले हैं। आप खुद वो रेमेडीज, जो रेमेडी का एक पैटर्न आपको सिखाऊंगी, वो पैटर्न आप खुद एकदम सीख करके लोगों को गाइड करने वाले हैं। देखिए मेडिकल एस्ट्रोलॉजी आज के टाइम का एक बहुत इंपॉर्टेंट टर्म क्यों है, क्योंकि कोविड के बाद में हमारे जो अंदर बॉडी के अंदर वीकनेस थी उसका, बिकॉज ऑफ द वायरस इट हैज डेवलप्ड टू अ वेरी लार्ज एक्सटेंट। जो प्रॉब्लम इतना नहीं दे रहा था वो अब प्रॉब्लम ज्यादा देने लग गया, तो हम उसको कैसे क्योर करेंगे, उसको हम बात करने वाले हैं
आपकी मेडिकल एस्ट्रोलॉजी के प्लेटफॉर्म पे। मेडिकल अभी से ही बात करूंगी तो आप लोग, क्योंकि मैं एक बार शुरू होती तो रुकती नहीं हूँ, ये बात राहुल जी और सर को भी पता है। जी 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 मैम। तो यहाँ पे हमें ये समझना है कि हमें मेडिकल एस्ट्रोलॉजी क्यों करनी है या न्यूमरोलॉजी सर से क्यों करनी है। देखिए लाइफ में हमें अपनी जिंदगी को सुधारना है, अपनी लाइफ को बेटर बनाना है, तो इट इज द बेस्ट लाइन, ऑकल्ट इज द बेस्ट लाइन टू एंटर इन। आपके मेंटल प्रेशर्स या टेंशंस दूर होने लगेंगे। इट्स नॉट जस्ट वर्ड्स एंड आई मीन इट। और जहां पे हम एस्ट्रोलॉजिकल लेवल की बात करेंगे तो आप सभी घबराइए मत। मेरी भी आप जैसे थॉट प्रोसेस था पहले कि कैसे होगा, कैसे एस्ट्रोलॉजी तो बहुत मुश्किल सब्जेक्ट है। पंडित जी कहते हैं अरे मैं तो सालों से पढ़ता आ रहा हूं, कितने साल हो गए मेरे को। कोई भी चीज फॉर्मूला बेस्ड है, अगर उसका फॉर्मूला ठीक से समझ में आ गया तो बड़े सिंपल तरीके से चीजें वर्कआउट हो जाती हैं। आप पढ़ाना एक गुरु का क्या काम होता है, जब भी एक बच्चा स्कूल जाता है एक सिस्टम से जब वो पढ़ाई करता है तो आपने एक चीज देखी होगी कि धीरे धीरे जब हम मेडिकल की पढ़ाई करते हैं या हम किसी लॉ फॉर्म में लॉ की तैयारी कर रहे होते हैं या किसी भी सब्जेक्ट के लिए हम डिटेल स्टडी कर रहे होते हैं तो हम और सारे वर्टिकल्स को भी उसको पूरा एग्जामिन करते हैं, उसको समझते हैं, पकड़ते हैं, एक पे थीसिस करते हैं। तो यहाँ पे हम जब एस्ट्रोलॉजी की बात करेंगे तो समझेंगे कौन से हाउस का क्या मतलब बन के आया, कौन से हाउस से हम क्या चीज हो सकती है, उसका क्या मायने है, और उसको हम अगर कोई प्लैनेट वहां पे प्लेस हुआ तो मेडिकली हम किन हाउसेस को देखेंगे, क्या कैलकुलेशंस करेंगे, वो सारा का सारा आपको अपने आप टिप्स पे आ जाएगा। फोर्थ डे आप खुद बोलेंगे कि अब आप मत बताइए मैम, अब मैं बताता हूं आपको, यह बताती हूँ कि इसमें हम क्या चेक करने वाले। राइट मैम। सो बात हम कर रहे थे मेडिकल एस्ट्रोलॉजी। मेडिकल एस्ट्रोलॉजी किसी मतलब आप जो हम बता रहे हैं, बात कर रही नीरू मैम, वो इस तरह की है कि आपके पास एस्ट्रोलॉजी का अगर कोई ज्ञान नहीं भी है तो आपको परेशान होने की आवश्यकता नहीं। बट इट्स अ रियली वंडरफुल साइंस। यस यस इट इज, एंड इट्स गोइंग टू बी वेरी इंटरेस्टिंग। कोई बीमारी नहीं आई है ना राहुल जी, और वो दिख रहा है, वो आपके चार्ट से विजिबल हो जाता है। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन किसी का आ सकता है, जिसके पास डेट ऑफ बर्थ नहीं है। मैम किसके पास ऐसा है कि टाइम ऑफ बर्थ एग्जैक्टली पता या डेट ऑफ बर्थ नहीं पता? जिसके पास डेट ऑफ बर्थ नहीं है वो अपना हैंड रेस तो मैम बहुत सारे हैं, वो भी हम लेते हैं थोड़ी देर में। ग्रेट। नहीं मैं आपको ये बता रही हूँ कि ऐसी सिचुएशन भी जिसकी आएगी तो डोंट वरी, हम वहां पे एक होरारी चार्ट से आपको वो भी सिखाऊंगी कि वो कैसे देखना है। अगर आपके पास कोई क्लाइंट आता है उसका डेट ऑफ बर्थ नहीं है और आपने उसका डिटेल देखना है, उसकी बीमारी देखनी है, तो हम उस टाइम पे होरारी चार्ट पे काम करेंगे। और वो भी सिंपल, वो आपसे रैंडमली नंबर सेलेक्ट करेंगे, आप उसको चूज करके उस नंबर को उस हिसाब से डालेंगे। आई लेट यू नो कैसे करना है, डोंट वरी अबाउट दैट, दैट्स गोइंग टू बी अ क्लास पॉइंट। ठीक है, इट इज गोइंग टू बी कवर्ड, एवरीथिंग इज गोइंग टू बी कवर्ड रिलेटेड टू दैट आल्सो, क्योंकि आज की डेट में तो सबको अपना डेट ऑफ बर्थ टाइम पता होता है, बट पुराने लोग जितने लोग हैं या थोड़े से एक फैक्टर है जब पेरेंट्स इतना ध्यान नहीं देते थे टाइमिंग का, तो वहां पे हम होरारी चार्ट की सटीकता से काम करते हैं, वो आप देखेंगे। राइट मैम, राइट। सो ये चीज प्रॉपरली वर्क करती है, आप चार दिन के अंदर ये हम प्रेडिक्शन आप भी करने लगे, कैसे करेंगे क्या करेंगे सारा कुछ हम क्लास में सीखेंगे। बट बेसिकली हम सीखेंगे क्या क्लास में, हम सीखेंगे कि कैसे हमारे चार्ट में हम हमारी हेल्थ को देखकर, हेल्थ को हम हेल्थ को देखकर उसके थ्रू हम हमारे आने वाले समय में अपनी हेल्थ को संभाल सकें। राइट बहुत अच्छी तरीके से हम ये समझ पाएंगे कि हमें आने वाले समय में कोई बीमारी या परेशानी तो नहीं है, क्योंकि जीवन में सबसे बड़ी चीज है क्या, एक निरोगी काया। हेल्थ इज आवर बिगेस्ट वेल्थ।
हेल्थ ही हमारा सबसे बड़ा बिगर वेल्थ है, तो इस वेल्थ को कैसे संभालना है यही समझना है। आपको एस्ट्रोलॉजी नहीं आती नो प्रॉब्लम, रीना मैम आपका क्वेश्चन लेते हैं, आप हैंड डाउन। तो आपको ये समझना है कि हमें हमारी हेल्थ से कैसे सटीक तरीके से संभल के हमको आगे बढ़ राइट right. हम अगर छोटे से उपाय से अगर हमारे जीवन में आने वाली बड़ी सी बीमारी टल जाए तो इससे बेहतर बात क्या। सी डॉक्टर इज ऑलवेज देयर, डॉक्टर हमेशा रहेंगे और हमें उनका हमेशा आवश्यकता रहेगी, पर कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिनके बारे में हमें अगर पहले से पता लग जाए तो हम पहले खूब सावधान हो सकते हैं, और सावधान होंगे अगर हम उसका रेमेडियल मतलब जो उपाय मैम बताने वाली वो अगर हम करते हैं, साथ में अगर हम हमारे डेली रूटीन को भी उसके अकॉर्डिंग चेंज कर लेते तो हमें बहुत बड़ा मिलता है। तो दो बड़े फायदे हमें इसके साथ मिलते हैं, इस चीज को समझेंगे अभी और किसी का एक क्वेश्चन लेते ताकि हम समझ पाए कि कैसे उनकी लाइफ में प्रिडिक्शन कर पाएंगे हम लोग और कैसे बात करें। तो बात करते सोनिया जी से। जी सोनिया जी। जय गुरु जी सर। जय गुरु जी। जय गुरु जी। जय गुरु जी सोनिया मैम। प्लीज अपना डेट ऑफ बर्थ और टाइम बताएं। हाँ जी सर, मेरी डेट ऑफ बर्थ है 25/9/1978। आपने बताया आपका नाम है सोनिया जी, आपका बर्थ कहाँ का है सोनिया जी? मैम सढ़ोरा जी, सढ़ोरा डिस्ट्रिक्ट यमुनानगर। गडोरा सढ़ोरा जी, एस ए डी एच ए यू आर, एस ए डी एच ए यू आर ए, एच ए सढ़ोरा। यस मैम, मैंने एक्चुअली पहली बार सुना है। डिस्ट्रिक्ट यमुनानगर मैम, यमुनानगर हरियाणा। यस मैम। अब आप मुझे अपना टाइम और डेट बताएंगे। मैम 25 सितंबर 1978। 1978 मैम, 78। टाइमिंग? टाइमिंग सर सॉरी मैम 3:15। ये सुबह का या? यस मैम सुबह। अर्ली मॉर्निंग? यस मैम। अब इसमें बताइए अर्ली मॉर्निंग में आप 24 होगा ये क्या मतलब? हाँ 24 की नाइट में मैम। 24 की नाइट, तो ये एक्चुअली हम इसको कायदे से तो लेंगे हम, क्योंकि 4 बजे के बाद ही हम अगला दिन मानते हैं। यस, तो हम यहाँ पे इसको लेंगे सुबह 3:15 मैम। हम उसको 24-25 दोनों से एक बार चेक करते हैं, ठीक है? आप मुझे बताना कि आपको वो चीज में से क्या दिख रहा है। मेरे पास चार्ट है आपका। अब मुझे एक चीज बताइएगा, कहीं ना कहीं ब्लॉकेज तो आपकी आपकी बॉडी में भी दिखा रहा है मुझे। आपको कोई हेल्थ इश्यू आया है जिसमें आपको कुछ कहीं पे ब्लॉकेज दिख रही है, वो भी आपकी खुद के अपने पर्सनल हेल्थ में दिख रहा है ऐसे? कुछ सांस लेने में कोई प्रॉब्लम तो नहीं आती? नो मैम नो। एक सेकंड और रुको, अभी आपकी दशा चल रही है मैम, बीपी हाई की वजह से थोड़ी सी प्रॉब्लम हो जाती है, अदरवाइज ऐसी कोई। देखिए
अब यहाँ पे हम एक चीज समझेंगे जी, बहुत एक चीज समझेगा आप, एक तो अपने यूट्रस से रिलेटेड ना चेकअप कराते रहो। ओके मैम, यहाँ पे विजिबिलिटी आ रही है कि पॉसिबिलिटी है इस ड्यूरेशन में 2033 तक स्पेशली अगर मैं आपसे बात करूं तो आपका 2025 तक ये इशू नजर आ रहा है। अच्छा, आपको आपको चलने में कोई दिक्कत तो नहीं आ रही है? नो मैम, बिल्कुल आराम से मूवमेंट, हड्डियों में दर्द या कुछ इस तरह का पेन नहीं आ रहा है? नहीं मैम, थोड़ा जैसे टांगों में दर्द रहता है, वैसे चलने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखो टांगों में वो जो दर्द है ना, मस्कुलर पेन है वो। यस, दैट इज अ मस्कुलर पेन। ओके, अब आपको आने वाले टाइम पे ऑनेस्टली आपको कह रही हूँ, थोड़ा सा अपने यूट्रस का ख्याल रखेंगे आप, बैकबोन बैकबोन की पेन का ख्याल रखेंगे आप। जैसे होता ना, एक जब जब उठते हैं और बैठते हैं तो हमारे बैकबोन पेन होना। हाँ जी मैम, होती है पेन तो। उसका इंडिकेशन क्लियर क्लियर दिखता है। ओके, तो यहाँ पे हम उसका भी क्योर जरूर करेंगे, बिकॉज दैट इज विजिबल कि आपको दिक्कत आएगी। और साथ के साथ ना आगे आने वाले टाइम पे ब्लॉकेज, थोड़ा सा अपना एक तो किडनी की एनालिसिस कराते रहना। डरना नहीं है, देखो होता क्या है, हमें कुछ दिख रहा चार्ट में कि हम उसका क्योर कर सकते हैं। हमारा थॉट प्रोसेस क्या है, व्हाट इज मेडिकल एस्ट्रोलॉजी, हमें विजिबल है या तो कोई बीमारी आ चुकी है या उसकी विजिबिलिटी बन रही है, तो हम उसका क्या करते हैं, सिंपल रेमेडी करते हैं जो जिससे वो रेमेडी बीमारी हमारे पास नहीं आए, वो पहले ही क्योर हो जाए। तो क्या करना चाहिए मैम उसके लिए, हम करेंगे क्या? अब रही बात, मैं आपका एक प्रॉब्लम पकड़ लेती हूँ, आप अपनी प्रॉब्लम बताओ जिसको आप सबसे पहले चाहते हो कि आपको दिक्कत आ रही है। मैम एक्चुअली मेरा ना जो बीपी है वो फ्लक्चुएट होता है, बीपी हाई की टेबलेट लेती हूँ तो लो हो जाता है, अब मैं लो में क्या करूं? देखो अब उस केस में हम क्या करें, बहुत अच्छा पॉइंट है। ऐसा कितने लोग हैं यहाँ पे जिनकी बीपी की फ्लक्चुएशन की इश्यू आ रही है? बहुत सारे रहते हैं ऐसे जिनकी बीपी की प्रॉब्लम कंटिन्यू रहती है, सबके रहती है, तो ऐसी रेमेडी बताना ताकि वो सबके कॉमन काम आ सके। यस ठीक है, अगर बीपी में फ्लक्चुएशन बहुत ज्यादा आ रही है, मतलब कभी ऐसा पोजीशन है कि बीपी जो है एकदम हाई है और कभी रहता है कि बीपी एकदम ही लो रहा है, तो आप उस केस में एक कॉपर का कड़ा ले लेना। कॉपर का कड़ा आराम से मिल जाएगा आपको। आपने उस कॉपर के कड़े को अपने लेफ्ट हैंड में, उसको आपने मंगलवार वाले दिन पहन लेना है, बड़ी श्रद्धा भाव से। देखिए एक चीज याद रखिएगा, जब भी कोई रेमेडी होगी तो शोर शॉर्ट तरीके से जब आप उस पर काम करेंगे ना, उसका बिलीफ सिस्टम स्ट्रांग रखेंगे, आप उस पर विश्वास पूरा करेंगे, तो वो रेमेडी अपने आप ही काम करना शुरू कर देगी आपका जी। आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। अब साथ में आपको जो मुझे विजिबल हो रहा है आने वाले टाइम पे, हो सकता है कि ये बैकबोन की प्रॉब्लम आगे ना बढ़ जाए, उसके लिए एक रेमेडी कर लो, लिख लो आप। अगेन जैसे सर हमेशा थैंक यू करते हैं अरविंद सर का, ऐसे मैं अपने गुरु राजीव सर का थैंक यू करती हूँ, बहुत सटीकता से उन्होंने हमें सिखाया, बड़े अच्छे से सिखाया, तो ऑलवेज थैंक यू गुरु जिनसे सीखा आपने, और उन्हीं के माध्यम से हम अपना ज्ञान आप तक सभी तक पहुंचा पाते हैं, तो अपने गुरु का शत शत नमन जरूर कीजिएगा। अब आप में से किसी को भी अगर प्रॉब्लम आ रही है रिलेटेड टू बैक बोन या स्पाइन, पीछे की स्पाइन का इश्यू आ रहा है, मतलब उठने बैठने में तकलीफ, और ऐसा टेल बोन में भी दिक्कत है, थोड़ा गर्दन में भी परेशानी दिख रही है, तो आप क्या करेंगे बहुत अच्छे से समझ लीजिएगा। आपने 16 डेज ये रेमेडी करनी है, आपने लेना है 2 इंच का आमचूर साबुत की स्टिक। 2 इंच आमचूर होता है ना, खटाई,
उसका साबुत आमचूर की डंडी आती है, जो जो कच्चा आम को सुखा देते ना, सूखा हुआ आमचूर का एक स्टिक, आपने वो ले लेना है। और इसके अंदर आपने एक आती है कुल्थी की दाल, कुल्थी की दाल आती है, इसे हम हॉर्स ग्राम दाल भी कहते हैं, कुल्थी की दाल जी जी, आपने आधी चम्मच वो ले लेनी है जी। आपने इन दोनों को इवनिंग में करना है, बस ये उपाय 16 डेज। आपने इनको चाय की छलनी में रखना है, एक चाय की छलनी सेपरेट ले लेना। उस चाय की छलनी में आपने दो इंच की आमचूर की स्टिक और आपकी कुल्थी की आधी चम्मच दाल लेके, हाँ जी लेनी है कुल्थी की दाल आती है ना, जो आप देखोगे पहाड़ों में गरम दाल होती है, कई बार इसमें किडनी के स्टोन के लिए भी इसको खिलाई जाती है, गरम होती है, तो आपने इसे खानी तो है नहीं। अच्छा एक चीज है, जब भी कभी मैं आपको रेमेडी भी सिखाऊंगी ना मेडिकल में, जिस चीज का उपाय आपको सिखाऊंगी आपने वो वाली चीज खानी नहीं है कभी, 16 डेज तक जब तक उपाय कर रहे हो बिल्कुल नहीं छूना है आमचूर अपने खाने में, 16 डेज तक अवॉइड कीजिएगा आप। आप सभी जो भी इस चीज के लिए कर रहे हैं इस उपाय को, यहाँ पे आपने उसको छलनी में रखा, गैस के बर्नर पे बर्न किया जी। और आपने इसको लेके टॉयलेट में जाके फ्लश करके आपने उसको बहा देना, मतलब जला ली अच्छे से, थोड़ा टाइम लगाया, स्मेल थोड़ी सी डिफरेंट आएगी, लेकिन कोई बात नहीं है जी, हमारी सेहत सही होनी चाहिए। आपने 16 डेज करना है, मेरे को लगता है शायद 4-5 दिन ही बीतेंगे आपको अपने आप महसूस होने लगेगा कि मेरी कमर के दर्द में तो मुझे बहुत आराम लग रहा है, तो ये नहीं कि छोड़ दो उसको, आप कंटिन्यू करें। थैंक यू सो मच। एक चीज और, कई बार ऐसी सिचुएशन भी आए कि आपको लगता है कि बार बार, देखिए एक पॉइंट और आप सभी के लिए आइए, आज की जो टिप्स सोची थी उनमें से एक टिप और भी है, इन्फेक्शन का इश्यू हो जाना, बार बार किसी चीज का इन्फेक्शन आना, कभी होता है ना कि हमें बहुत जल्दी सर्दी जुकाम पकड़ा या कुछ हो गया, तो हमें इन्फेक्शन होता है, तो यहाँ पे इन्फेक्शन के लिए एक रेमेडी है जो सर की बताई हुई, अगेन आप चाय पत्ती एक चम्मच स्टील की छलनी में सुबह शाम 16 दिन तक उसको आप बर्न करके टॉयलेट में फ्लश कर दीजिए, बॉडी के इन्फेक्शन खत्म हो जाएंगे। एक चीज और ख्याल रखिएगा, हमेशा आपने वो पीना नहीं है, चाय छोड़नी पड़ेगी 16 डेज, वही मैं पूछने लगा था कि चाय छोड़नी पड़ेगी ना, बिल्कुल नहीं पीनी है मैं। अभी छोटी छोटी बात है, अभी क्लास आने दीजिए, ऐसी ऐसी चीज अपने गुरु का धन्यवाद सिखाई हुई है कि आप लोग को उसका रिजल्ट देखिए, कोमा में ऐसे हमारे गुरु ने कोमा की पेशेंट्स को ठीक किया है, तो देखिए हम ये नहीं कहते कि आप अपना ट्रीटमेंट बंद कीजिए, लेकिन ट्रीटमेंट के साथ अगर अच्छी सही तरीके से सटीक रेमेडीज कर लीजिए तो आपकी सेहत, आपको वो मेडिसिन एक टाइम आएगा कि अपने आप छूट जाएंगी, छोड़नी नहीं पड़ेगी। क्या बात, अमेजिंग, बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया, थैंक यू सो मच। सर एक क्वेश्चन आपसे पूछना चाहूंगी प्लीज। जी मैम बताइए। सर जैसे मेरा बर्थ टाइम 3:15 है, तो नेक्स्ट डेट हो गई मैडम, रात को 12:01 के बाद डेट चेंज हो जाएगी, जैसे आज जो डेट है वो 14 है, जैसे ही रात को 12:01 होगा तो डेट 15 हो जाएगी। ओके सर, तो 25 सितंबर होगी। सही कहा है, आपको पता है क्या होता है, वैदिक के हिसाब से चले, क्योंकि हमारे हिंदू रीति के हिसाब से चले, तो हम यहाँ पे ना दोनों सेगमेंट पे देखते हैं। मैंने आपसे कहा ना आपके चार्ट में दोनों टाइम देखे जाएंगे, दोनों आपकी डेट ऑफ बर्थ चेंज करके देखी जाएगी, क्योंकि
एग्जैक्ट सटीक बीमारी कहाँ पे पकड़ी आई वो आपसे जब क्लास में डिस्कस होगा ना तब हम उसको सटीकता से और कैलकुलेट कर पाएंगे कि वो जो बीमारी आई तो आपका टाइमिंग एग्जैक्ट डेट कौन सा पकड़ रहा है। जैसे आपने अभी एक दो पॉइंट्स पे कहा नहीं तो वहां पे क्या था आई विल हैव टू कोरिलेट विद योर 25 तारीख जो मैंने 24 में लिखी थी उसको 25 पे ले आऊंगी ना तो उसके बाद वो चीजें और हो जाएंगी वर्कआउट। तो अभी मैंने क्या किया आपने बोला मुझे ये प्रॉब्लम फेस हो रही है तो उससे रिलेटेड आपको रेमेडी बता दी। अब ये चीज आपको एग्जैक्ट डेट ऑफ बर्थ जब पता होगी हमें जी तो पकड़ में आ जाएगी। राइट थैंक यू सोनिया मैम थैंक यू थैंक यू मैम थैंक यू। राइट सो हम बात कर रहे थे मेडिकल एस्ट्रोलॉजी अमेजिंग मतलब अभी हम क्वेश्चन आंसर देंगे आज बहुत सारी रेमेडीज वी आर गोइंग टू शेयर विद यू अकॉर्डिंग टू कस्टमाइजेबल डेट ऑफ बर्थ मतलब आपकी डेट ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंग क्या चल रहा है। राइट साथिया संदीप सर से भी आपकी कंसल्टेशन लेंगे देखते हैं जिस पर नसीब जैसे। सो निरुपम थोड़ा फास्ट फास्ट क्वेश्चन लेंगे उन सबसे पहले मैं इनको बताना चाहूंगा सब फास्ट तो राहुल जी ये वाला काम ऐसा है कि सब फास्ट नहीं हो पाएगा। राइट अब चलिए राइट नो इशू मैम राइट सो मैं सबसे पहले ये बताना चाहूंगा कि मैम की मेडिकल एस्ट्रोलॉजी की क्लासेस आ रही हैं जी ऑन 18th of July संदीप सर और नीरू मैम की क्लासेस दोनों सेम डे पे आ रही है। इसमें दो बैच है वो एक है 12 बजे का दिन का और एक है रात का 9:30 बजे। क्या बात है बहुत ही अमेजिंग तरीके से ये बैच आने वाले ये क्लासेस आएंगी 3540 में इसमें हम सीखेंगे पूरा कंप्लीट रेमेडियल मेडिकल एस्ट्रोलॉजी जी बाय कस्टमाइज योर डेट मतलब ये जो सॉल्यूशंस हैं वो आपके अकॉर्डिंग मतलब आपकी डेट ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंग आपके प्लैनेट्स के अकॉर्डिंग आपके ग्रह नक्षत्र के अकॉर्डिंग आपको एस्ट्रोलॉजी नहीं आती है तो नो इशू वी गोइंग टू टीच यू देयर हम उसके अंदर कैसे देखते हैं एक एस्ट्रोलॉजिकल चार्ट में मेडिकल टर्म्स 9 प्लैनेट 12 ग्रह 27 नक्षत्र आपके बारे में आपकी बीमारी के बारे में क्या बोलते हैं वो वहां पे हम प्रॉपरली समझेंगे। ये क्लासेस आ रही है 18 जुलाई से दो बैच 12 बजे और रात के 9:30 बजे। इसकी एनर्जी एक्सचेंज है 3540 राइट साथ ही मैं आप लोगों को बता देता हूँ 3540 एक सेकंड दो बैच आ रहे हैं नीरू मैडम के बहुत बहुत बधाई है नीरू मैम। राइट ऑल बिकॉज़ ऑफ यू यस यस गुरुजी की ब्लेसिंग से ये 12 बिल्कुल गुरुजी और 9:30 बजे दो बैच आपके सामने हैं। 5 दिन का ये वंडरफुल वर्कशॉप आपको प्रॉपरली इसका सर्टिफिकेशन और लाइव क्लास रिकॉर्डिंग आपसे शेयर की जाएगी प्रॉपर डील के। संदीप सर जय गुरु जी जय गुरु जी डियर गुरु जी का बर्थडे चल रहा है क्या दे रहे हैं इस पर इस क्लास के अंदर बच्चों को गुरु जी का बर्थडे चल रहा है वेबिनार में ही ऑफर देना है सर क्योंकि बाद में कंफ्यूजन हो जाता है जी डियर जो वेबिनार में अपना कीमती समय निकाल के आए हैं बिल्कुल पक्की बात है के लिए तो कोई ना कोई वैल्यूएशन होना चाहिए। आप बताओ राहुल भाई आप बताओ मेरी तरफ लिए तो सबसे बढ़िया आप ही हमारे सेनापति हो जो आप कहोगे अब तो वो कर देंगे डियर। सर मैं चाहता हूँ रात को 12 बजे तक जिन जिन बच्चों की पेमेंट आ जाती है उन सबको 2740 में 2740 के अंदर आप ये कोर्स दे बिल्कुल ठीक है डियर। राइट थैंक यू वेरी मच। तो ये क्लासेस आ रही 18 जुलाई से 2740 की जगह 2750 कर दो हमारे 5 पे आ जाएगा। राइट सर जी डियर बिल्कुल तो ये 2750 रुपए में आप रात को 12 बजे तक मुझे पेमेंट करके स्क्रीनशॉट भेज सकते हैं 7159 पे 3033 पे तो भी क्लासेस अवेल कर सकते हैं 5 दिन की इसके अंदर आपको लाइव क्लास रिकॉर्डिंग और सर्टिफिकेट। राइट अंको खेल पे आपका अकाउंट डिटेल आपके सामने है अगर आप लोगों को भी जरूरत हो तो आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं तुरंत। राइट थैंक यू संदीप सर ये ऑफर आपके सिर्फ और सिर्फ रात को 12 बजे तक वैलिड है और आप लोग जो वेबिनार सुन रहे हैं या यूट्यूब पे जो ये लाइव देख 12 बजे तक आप में से किसी का पेमेंट आता है तो 2740 रुपए आप लोग 2750 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
सब गुरुजनों को, और सबसे पहले तो संदीप सर का बहुत बहुत धन्यवाद कि इतने इतने अच्छे नगीने हीरे चुन के कहाँ कहाँ से लाते हैं हमारे लिए। अभी अभी मैंने नीरू मैम की क्लास की है, इतना मजा आया, सबसे ज्यादा मेरे को नीरू मैम की क्लास का मजा आया। और ये मतलब टाइम बिल्कुल वेस्ट नहीं इन्होंने किया, इतना मतलब जो जैसे कीमती टाइम होता है इंसान का, हम लोग आए हैं तो बिल्कुल उसका पूरा मतलब जो आपने पैसे पे किए ना, हमें उससे दुगना मिला है, मतलब दुगना मिला उससे। मैम ने बिल्कुल भी टाइम वेस्ट नहीं किया, एक एक टाइम मतलब इतना अच्छे से उन्होंने मतलब किया ना, बहुत ही अच्छा लगा। सबसे ज्यादा बेस्ट मेरे को ये मैम की क्लास लगी है, सच में बहुत मजा आया। अभी मेडिकल वाली क्लास में भी मैं हूँ तो उसमें और भी मजा आने वाला है, बिल्कुल आने वाला है। यही मैं कह रहा हूँ कि आप दिल से जुड़े हो, सब गुरु जी की ब्लेसिंग से इंद्रजीत मैम, क्योंकि गुरु जी ने कहीं ना कहीं पे हम सबको इसलिए एक परिवार बनाया है कि हम कहीं ना कहीं पे एक दूसरे की हेल्प कर सकें, और हमारे परिवार में छोटी छोटी बीमारियां हैं हम उनको भी दूर कर सके। जी सर, सच्ची में सर आप बहुत पुण्य का काम कर रहे हो, आपको तो बहुत ब्लेसिंग मिल रही है और मिलेगी भी, हम लोग खुद आपको ब्लेस करते हैं। जब भी मैं ये नीरू मैम की क्लास में आ गई तो मैं सबसे पहले आपको ही ब्लेस किया, उसके बाद नीरू मैम को ब्लेस किया। सच में हम लोग आपके साथ जुड़े हुए हैं तो हम लोग नीरू मैम तक पहुंच पाए हैं, तो बहुत अच्छा लगा। इसके लिए आपको राहुल भाई को भी थैंक यू बोलना चाहिए, बहुत ही ज्यादा। 5 डेज का ये क्लास रहेगा, 5 डेज का सेशन है। किसी ने चैट जी सर, आगे भी हम लोग ये करने वाले हैं, अभी मेडिकल वाले बिल्कुल बिल्कुल है जी। जी सर, एक मेरा क्वेश्चन है नीरू मैम से। मैम मेरा हेल्थ का सर थोड़ा इशू रहता है, अभी मेरे पैरों में ना काफी टाइम से बहुत ज्यादा पेन आ रही है, मतलब बीच में तो ऐसा हो गया था कि पैर नीचे रखते ही तो मेरे आंसू गिरते थे जमीन पर, पैर नीचे रखती थी तो मेरे आंख से आंसू नीचे जमीन पर गिरते थे, तो मेरी केतु की दशा भी चल रही है इस टाइम। तो फिर थोड़ा सा मैंने वो मतलब थेरेपी वगैरह करवाई, उससे थोड़ा फर्क है, लेकिन पूरा फर्क नहीं है। पैरों में बहुत ज्यादा पेन है, और नेक में, जैसे अभी मैम ने बताया, तो नेक में भी मेरा मतलब राइट साइड पे 24 घंटे दर्द होती रहती है। ओके जी, ओके। मेरे पैर ठीक कर दो तो मेरे को उम्मीद है, मैंने पहले ही मैम को बोला था, अभी मैं आ गई हूँ राइट जगह पे, मेरे को लगता है कि पूरा एकदम क्लियर होने वाला है। अब इसके लिए आप क्या करो ना, आपकी जो प्रॉब्लम आ रहा है ना पैरों का, जो आप कह रहे हो कितने से रिलेटेड आपकी दशा भी चल रही है जी। आपने जो बच्चे बेघर होते हैं ना, ऑर्फन जी मैम, उनको आपने स्वीट्स मिठाई खिलानी है जी मैम, उनको आपने मिठाई खिलानी है। आप इसके लिए कोई दिन का वेट मत करना, हफ्ते में एक बार आपने ले जाके आपने उनको एटलीस्ट 7 पीसेस, देखिए जितना खिला दे उतना बढ़िया, लेकिन आप कम से कम अच्छी अच्छी मिठाई ले जाइए, 7 गरीब बच्चों को, ऑर्फन बच्चों को खिला दीजिए, या आप ले जाके खूब सारे ले जाइए और जितने भी बच्चे ऑर्फन दिख रहे हैं उनको आप फीड कीजिए। ये रेमेडी भी आपको बिल्कुल सटीक काम करेगी, आपको अपने आप महसूस होगा कि मेरी तो अपने आप चाल में परिवर्तन आ गया, मतलब धीरे धीरे ये जो नमनेस की क्या होता है, कई बार हमारे पैरों में ना नमनेस हो जाती है, एक डर भी हो जाता है कि हम चलेंगे गिर ना जाए, ठीक है, और पैरों का सुन्न होना, नम हो जाना, या एकदम झंझनाहट होना, या पैरों में एकदम इतना सिवियर पेन होना कि चलने का मन ही नहीं करना, बैठे हो तब भी दर्द हो रहा है। हाँ जी। यहाँ पे जो रेमेडी अभी मेरे को मतलब बिल्कुल एग्जैक्ट आपको ये चीज बिल्कुल यूज करनी है, इस रेमेडी को आप करो और आप देखो आपको कितना फर्क पड़ने वाला है। मैम खीर भी दे सकते हैं बच्चों को, खीर भी बना के खिला सकते हैं कि जहाँ स्वीटी खिला दो। खीर बनाई आपने, खीर तो ऑलरेडी मैं पूर्णिमा के पूर्णिमा में दे रही हूँ बच्चों को बांट के आती हूँ। देखो आपको एक बात बताऊ, ये जैसे कहते हैं ना नेगेटिव अट्रैक्ट करता है, और जब आप थोड़ी स्पिरिचुअल लाइन में आ जाते हो ना तो आपकी बीमारी आपकी परेशानी कटती है अपने आप, भगवान आपको वो चीज राह दिखा देते हैं। तो जो आप पूर्णमासी पे खीर बांट रहे हो बहुत बढ़िया पुण्य का काम कर रहे हो, ये भी संदीप सर ने बताया हुआ है, तो तब से क्या बात है, क्या बात है, संदीप सर की वजह से हम लोग बांटना शुरू किया है खीर का, तो सर का इतना मतलब फेमस हो गया ना, जिसको बताते हैं खीर तो सबका ही फायदा ही हो रहा है खीर बांट बांट के। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। आपको क्या यूटीआई का इशू भी आता है कई बार? यूटीआई मतलब समझी नहीं, यूरिन इन्फेक्शन? हाँ जी, हाँ जी मैम, थोड़ा होता है बीच बीच में, बीच बीच में ये अटकता है, बार बार आता है, बार बार परेशानी हो रही है आपको? ये नहीं, ऐसे नहीं अटकता, नहीं जैसे मतलब जलन होती है। बोले तो मतलब आपको फ्रीक्वेंटली
जैसे आप कहीं तो हुआ ये दिक्कत आपको फेस करने के लिए होता है, आपको ऑन एंड ऑफ ये बीमारी हो जाती है, परेशानी आ जाती है। हाँ जी, घुटनों का जो दर्द है वो भी आने वाले टाइम पे थोड़े से सटीक हो जाना। अभी क्या घुटनों में कोई दर्द तो नहीं हो रहा है? नहीं मैम, होके चला गया। होके चला गया। होके चला गया। वो भी आपकी विजिबिलिटी दिख रही है। अच्छा, जब भी पढ़ने बैठते हो ना तो कॉन्सेंट्रेशन इश्यू शुरू में दिमाग इधर उधर बहुत ज्यादा जाता है। नहीं मैम, ऐसा नहीं है, पढ़ने में मैं मतलब एकदम स्टीक जाता है दिमाग। जो लेकिन लेकिन भटकना भटकाव आने लगेगा, चाहे वो पेन के सिलसिले में कह लो या कैसे। देखो केतु अपने आप में क्या है एजुकेशन, लेकिन जब केतु की कैबा महादशा में आपका जो मुझे नजर आ रहा है ना उसमें लो कॉन्सेंट्रेशन भी हो सकती है आगे आने वाले टाइम पे। तो कॉन्सेंट्रेशन बनाने के लिए मेडिटेशन का सहारा ले लेना। ठीक है मैम। कहने का मतलब ये है कि 10 मिनट आप सुबह 10 मिनट सोने से पहले जी, ठीक है मैम, आप अपने 7 चक्रास पे ध्यान देके व्हाइट लाइट को फील करते हुए मेडिटेशन भी करिए, देखिए चमत्कार। ओके ओके, जरूर मैम। स्ट्रॉन्ग कॉन्सेंट्रेशन बढ़ जाएगा। जो अभी अगर थोड़ा बहुत मेंटल स्ट्रेस आ रहा है, मेंटली डिस्टर्ब हो जाते हो बहुत जल्दी, किसी ने कुछ कहा नहीं और मेंटली डिस्टर्ब हो गए, एकदम इमोशनल हो गए, एकदम डिस्टर्बेंस आ गया, अकेले रहना पसंद आ रहा है, नहीं रहना मुझे किसी के साथ जी, बातें समझ नहीं आ रही, ओके अकेले रहने का मन कर रहा है मैम, 777 आ रहे हैं, 777 आ रहे हैं। नहीं आपसे, हाँ जी आपसे मैंने आपसे पूछा नहीं 777 पे हो आप, लेकिन अपने आप क्लियर विजन है कि आपको अकेले रहना बहुत मजा आता है। शांत रहना, अकेले रहना, यस। देखो आप जवाब नहीं दोगे ना तो बाकी सबको समझ नहीं आएगा। हाँ नहीं मैम, सच बोला, बिल्कुल ठीक बोला आपने। हाँ, अकेले रहना मतलब पसंद करती हूँ, मेरे को भीड़ भड़के में रहना पसंद नहीं पसंद आएगा। पार्टी वार्टी यार ये सब बेकार की बात है। हाँ मेरे को नहीं इतना मतलब, इतना शोर कर रहे हैं लोग। जी जी जी, ये तो है, बिल्कुल सच बोल रहे हो, बिल्कुल सही बोला आपने। आपकी इंट्यूशन पावर बढ़ जाएगी जहाँ आपने 10-10 मिनट की मेडिटेशन और की। जी ठीक है मैम। स्ट्रॉन्ग, क्योंकि जो लोग धोखा देके चले जाते हैं ना वो भी कंट्रोल हो जाएगा। ओके, होता है, धोखा देते हैं लोग आपको। हाँ जी बिल्कुल देते हैं, अपना काम निकाल के चले जाते हैं। नमस्ते दी, करके चले जाते हैं। ये सच बोला मैम आपने, बिल्कुल सही बोला। मैं सबकी हेल्प कर देती हूँ, मतलब जब भी किसी का टाइम आता है तो चुपचाप निकल जाते हैं वो लोग। टेंशन नहीं, हम जब क्लास करेंगे ना तो उसमें, अभी देखिए ऑब्जेक्टिव क्या है। ये सब्जेक्ट ऐसा है, जब मैंने रेमेडीज की आपसे बात की थी, जब हम लोगों ने रेमेडीज क्लास की नहीं सेमिनार में पढ़ी थी, तब होता क्या है, उन रेमेडीज पे हम इन जेनेरिक बात करते हैं। जब हम मेडिकल एस्ट्रोलॉजी पे बात करेंगे ना तो एक तो क्या, अगर किसी का डेट ऑफ बर्थ नहीं पता, एक तो हमें पता है कि उसको परेशानी बीमारी क्या आ रही है, तो उसका ट्रीटमेंट क्या देना है उस पर बात करेंगे। या अगर हमारे को डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ एक्यूरेसी से पता है, प्लेस ऑफ बर्थ, तो उससे रिलेटेड हम ये समझेंगे। और ये नहीं कि बहुत एक्सपेंडेड और टेंशन वाले माहौल में पढ़ेंगे, आपने पहले भी पढ़ा है, आपको पता है कि सटीक तरीके से पढ़ेंगे। मैम आपके साथ तो बहुत मजा आने वाला है आगे पढ़ के, मतलब आप तो बिल्कुल टाइम ही नहीं वेस्ट करते, इतना अच्छे से कराते हो, मतलब बिल्कुल बहुत मजा आता है आपके साथ पढ़। इतना बड़ा टेस्टिमोनियल होता है जब अपने लोग अपनी समझते हैं। तो देखिए यही होगा, यहाँ पे भी टाइम वेस्ट नहीं करेंगे हम बिल्कुल भी, और बिल्कुल कट टू कट बात करेंगे, एकदम कट टू कट समझेंगे, क्योंकि सब्जेक्ट बहुत वास्ट है। मैं तो अपनी फ्रेंड लोगों को भी बोला है कि वो तो मतलब वहां पे जाओ एक बार तो क्लास करो, मतलब मैम बिल्कुल टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, एकदम टाइम पूरा समय का ध्यान रहता है उनको कि टाइम बिल्कुल वेस्ट नहीं होना चाहिए किसी का भी, अच्छे से पढ़ाते हैं। खाली खाली टाइम वाली बात लगी आपको, बाकी भी लगा यस रेमेडीज में जान है? नहीं मैम, रेमेडीज में तो जान है ही, बिल्कुल आपकी रेमेडी अच्छी है, तो एक तो आप टाइम नहीं वेस्ट करते और रेमेडी बिल्कुल न्यू रेमेडी है, ऐसी रेमेडी मैंने सुनी नहीं, पहले भी मैंने रेमेडी की 2 क्लास करी है, लेकिन बिल्कुल न्यू और पावरफुल रेमेडी है, सच है, इसमें कोई शक नहीं है। गॉड ब्लेस यू एंड गॉड ब्लेस यू ऑल। थैंक यू मैम, गिविंग दिस वंडरफुल शेयरिंग योर एक्सपीरियंस मैम, थैंक यू। ये अंकुर खेल के प्लेटफॉर्म की ही ताकत है जो आप लोगों को प्रॉपरली चीजें डिलीवर कर पाता है बाय टाइम टू टाइम, सही सटीक एजुकेशन के लिए,
आप लोगों को हम हमारी यही रहती है कि हम आपको क्वालिटी ऑफ एजुकेशन प्रोवाइड राइट. थैंक यू मैम. थैंक यू इंद्रजीत मैम शेयरिंग योर एक्सपीरियंस. थैंक यू सर. थैंक यू सर. थैंक यू मैम. जी राजीव भाई. राधे राधे. राधे राधे जी. जी राधे राधे जी बताइए सर. जय गुरु जी. बता जी संदीप जी कहाँ चले गए. अरे अरे बस आज हम आ रहे हैं. चलो अंतर ध्यान हो गया क्या. आज आज बजाज साहब आते तो आपको पानी पीने गए. हाँ हाँ कोई बात नहीं. जब बजाज साहब आए तो बता दीजिएगा. मेरा क्वेश्चन उन्हीं से है. दन दन. जी हर्ष हर्ष जी हर्षद जी प्लीज अपना कैमरा खोल लीजिए. हेलो सर. राधे राधे. राधे राधे जी. सर बीबी के बारे में पूछना था. बीबी के बारे में. हाँ बीबी के मिसेस के बारे में बताइए. बताइए क्या पूछना चाहते हैं. डेट ऑफ बर्थ है 25 फेल 1991. मैम लिख लीजिए. हेलो पूछ रहे हर्षद जी. जी जी बीबी के बारे में मिसेस के बारे में. अपना मिसेस का नाम क्या है आपकी. अंकिता खरबीकर. अंकिता. हाँ 25/12/1991. एक मिनट एक मिनट. कहाँ का बर्थ है इनका. नागपुर. नागपुर की बात करें ना. महाराष्ट्र वाला नागपुर. महाराष्ट्र वाला नागपुर. NAGPUR. और आपने क्या डेट ऑफ बर्थ बताया. 25 December 1991. थोड़ी सी मेरी हिंदी का ना इसमें डिजिट्स में प्रॉब्लम है. अच्छा टाइमिंग बताएं. टाइम 11:47 AM. देखिए यहाँ पे हम अंकिता नाम है मैडम. एक सेकेंड. अब एक चीज बताइएगा थोड़ा सा. इनको भी बहुत जल्दी कोई इन्फेक्शन कैच करते हैं क्या. बीमारी बहुत जल्दी जल्दी. हाँ मैडम थोड़ा होता है इनको बीमारी. जुकाम का प्रॉब्लम रहता है. सर्दी जुकाम का. हाँ. अभी इतने में तो नहीं है. पहले थोड़ा रहता था शादी के पहले रहता था. शादी होने के बाद नहीं रहा इतना प्रॉब्लम. नहीं हेल्थ कैसी. थोड़ी सी थोड़ा सा हेल्थ है क्या. अने मैडम हेल्थ अभी अच्छी है. हेल्थ अभी कोई प्रॉब्लम नहीं है. नहीं नहीं health? बोले तो शी स्किनी और शी हेल्दी. नहीं है दुबली पतली है. दुबली पतली है. लगन कमजोर है. देखो यहाँ पे एक चीज समझना. अगेन मैं आपसे एक बात बोलूंगी कि इनका थोड़ा सा यूट्रस का इनका किडनी का दो तीन चीजों पे थोड़ा ख्याल रखना आप इनका. ओके. और वेट पे अभी तो देखिए अभी एज ज्यादा नहीं है. हाँ एज ज्यादा. आने आने वाले टाइम पे वेट पॉइंट आ सकता है. और वो कब आ सकता है ये भी बता देती हूँ. वेट कब आ सकते हैं. वेट कम हो सकता है क्या. ज्यादा ज्यादा बढ़ सकता है. ज्यादा बढ़ सकता है. अभी नहीं अभी है उसके लिए बहुत टाइम है. डोंट वरी अभी उसके लिए बहुत टाइम है. उसकी महादशा बहुत टाइम बाद है. तब तक तो कोई इशू ही नहीं है. अभी तो इसका एक प्रॉब्लम था मैडम इसको ने कि अभी टीचर लाइन में नहीं जाना था. टीचिंग लाइन में तो इसको ये नहीं हो रहा. तो आने दिशा नहीं मिल रही अच्छे से टीचिंग लाइन में. मेडिकल बात थोड़ी ना कर रहे हैं हम अभी. ओके ओके मैडम. बात नहीं कर रहे हो.
आपका जो क्वेश्चन है दैट इज नॉट रिलेटेड टू मेडिकल, मेडिकल नहीं टीचिंग लाइन बोला है मतलब आज जो क्लास है वो मेडिकल की है। ओके ओके सर, मेडिसिन के बारे में जो भी आशीर्वाद लेना चाहे नीरू मैडम से लीजिए। हाँ तो मेरे को प्रॉब्लम है वो अगली बारी जब नीरू मैडम का वेबिनार हो उसमें आप लीजिए। आपसे भी सर पूछना था कंडक्टर, नीरू मैडम से ले लो पहले, नीरू मैडम से आशीर्वाद ले लो। ओके ओके मैडम सर, देखिए आपका जो पॉइंटर है ना वो दैट इज कम्प्लीटली डिफरेंट फ्रॉम मेडिकल, क्योंकि यहाँ पे हमारा ऑब्जेक्टिव देखिए एस्ट्रोलॉजी मैंने पहले कहा था आपसे बहुत बड़ा वास्ट लाइन है, इसको हम वन टू वन सब कुछ कवर करेंगे, मतलब इस बार हमारा थॉट प्रोसेस था मेडिकल लाने का आपके सामने। ओके तो मेडिकल पे ही हम डिस्कशन कर रहे हैं कि कोई प्रॉब्लम हेल्थ के इश्यू आता है उसका अगर या तो आ गया या आने की उम्मीद है तो उसको कैसे रेक्टिफाई करेंगे। ओके सर, उसको कैसे दूर करेंगे। हाँ अब आप सर से पूछ सकते हैं। हेलो सर, बस डियर आज क्वेश्चन एक ही है कि कहीं ना कहीं पे टाइम कम है, बाकी लोग के बहुत हैंड रेज है। 25/19 आज मेडिकल मैम से क्वेश्चन नेक्स्ट टाइम सर से करवा दूंगा। सर एक आखिरी क्वेश्चन था ना सर, इसके बाद हमें अर्षद भाई आप समझो बहुत सारे हैंड रेज है सर, ये न्यूमरोलॉजी के बारे में कल फिर आएगा मैडम का पूछना है ना, मैडम के बारे में पूछना है, मेरे बारे में नहीं पूछना, अभी डेट ऑफ बर्थ है क्या बताए ना, इसके बारे में पूछने का मेरे को अपने बारे में नहीं पूछना सर, इसलिए मैं बोल रहा हूँ। बोलो बोलो। 25/12/1919 डेट ऑफ बर्थ नहीं क्या पता है, कंडक्टर ड्राइवर 7 है, कंडक्टर ड्राइवर कंडक्टर आपका नहीं ले रहे क्वेश्चन, अभी नीरू मैम ने आपको ब्लेसिंग दिया ना सर, ड्राइवर कंडक्टर कल ले लेंगे सर आपका, कल फिर वेबिनार है, सेम आईडी सेम पासवर्ड से आप ज्वाइन कर। ओके सर थैंक यू सर। जी संदीप जी, जय गुरुजी, गुरुजी जय गुरुजी, गुरुजी ये बताओ हमारे अच्छे दिन कब आएंगे। वो तो भाई गुरुजी को पता है, गुरुजी की सेवा में लग जाओ, आप 3 नंबर वाले हो, जितना थर्सडे को फ्रूटी खाओगे उतना आशीर्वाद आएगा। चल रहा है बस, आप अपने आप को गुरुजी की सेवा में लगा के रखो, न्यूमरोलॉजी से आशीर्वाद लेते रहो, बिल्कुल ऊपर वाले ने कहीं ना कहीं पे सबके लिए दिन सोच रखे हैं, आप बिल्कुल इस चीज से जुड़े रहो और कहीं ना कहीं पे पॉजिटिविटी आती रहेगी डियर। ठीक है जी जी जी, बाकी ये वो पीला जो है ज्यादा बियर करके रखूं मैं। हाँ बिल्कुल, थर्सडे को 9 गरीब बच्चों को फ्रूटी पिलाओ, जितना हो सके 3 दफा राम स्तुति सुबह स्नान करने के बाद, रात को सोने से पहले 3 दफा हनुमान चालीसा करके सो, आज से फर्क समझ में आ जाएगा। चल रहा सर, मेहरबानी सर, थैंक यू सर। राजीव भाई राधे राधे, हो गई बात सर। राजीव भाई एक सवाल था जी, बताएं अच्छे दिन किसको बोलते हैं। बस गुरुजी आशीर्वाद देते रहे तो अच्छे दिन आते रहेंगे। अच्छे दिन उसको बोलते हैं जिस दिन हमने ये कदम ले लिया कि आज से मैं अपना जीवन बदलने के लिए ये उपाय कर रहा हूँ। हाँ तो गुरुजी ने बताया था ना उपाय, तो वो करने शुरू किए हुए हैं, तो उससे धीरे धीरे करके अच्छे दिन आ रहे हैं। अरे गुरुजी ब्लेसिंग रखे सब पे, यही हमारे लिए तो मेरे को याद है पिछली बार भी गुरुजी ने कहा था ना कि वो पूछ लो, मैंने कहा हमारे लिए तो गुरुजी आप हैं, जो गुरुजी की वेदवाणी निकल गई हम तो उसी को मानेंगे, समझेंगे नहीं। बिल्कुल बिल्कुल, तो यही है संदीप जी, जो गुरुजी संदीप जी ये बात भी हमारे लिए तो गुरुजी संदीप जी है, क्या बात है। बिल्कुल मैम, मैं पूछ लूं आप मैं खुद बोलता हूँ, गुरुजी इनको ही बोलता हूँ। राइट, थैंक यू सर, थैंक यू राजीव भाई, मंजू मैम जय गुरुजी जी। मंजू मैम नमस्ते सर जी। नमस्कार मैम। हेलो नमस्ते जी। नमस्कार मैम। नमस्कार, ढूंढने की कोशिश कर रही हूं मैम। ग्रेट व्यू कर लो, ग्रेट व्यू कर लो, मंजू मैम बताइए। मेरा डेट ऑफ बर्थ है 23 May 1961। वीडियो ऑन है आपका? हाँ वीडियो ऑन है। नीरू मैम राधे राधे, राधे राधे, जय गुरुजी, जय गुरुजी। आप अपने ऊपर से जो व्यू है उसको स्टैंडर्ड व्यू करो, ऊपर देखो लेफ्ट साइड में एक व्यू है। कोई बात नहीं, चलिए
आप अभी अभी अभी, अभी अभी ऐसे ले लेते। जी मंजू मैम बताइए। मंजू मैम मेरे डेट ऑफ बर्थ है 23 मई 1961। बिल्कुल नंबर 5 है, कंडक्टर 9 है। हाँ आप पहले सर से पूछिएगा, पहले फिर हम इसको आगे समझेंगे। सर प्लीज। जी मंजू मैम बताइए। गुरुजी तो आप हैं हमारे। सर मुझे मैडम से ही पूछना था हेल्थ के बारे में। ओके मैम लिखो डेट ऑफ बर्थ 23 मई 1961। मंजू जी आपका प्लेस ऑफ बर्थ कहाँ पे है? नागपुर महाराष्ट्र। अच्छा नागपुर। क्या बात, आप अभी दोनों नागपुर, ऑसम। नागपुर अर्बन तालुका यही आ रहा है आपका। एक सेकंड, और आपने क्या बताया था 23 मई 1961। टाइम बताइएगा। नहीं समझ में आया। 4:55। मॉर्निंग का, अर्ली मॉर्निंग ना। 55 मिनट 55 मिनट 4:55 सुबह अर्ली मॉर्निंग। हाँ हाँ ओके मैम। देखिए यहाँ पे अब मुझे एक चीज बताइएगा आप। पहला पॉइंट नर्व्स का इश्यू आ रहा है क्या मैडम? मैडम मैं आपको एक बात बताऊं? आप प्लीज बताइए। मेरी एक ट्विन सिस्टर है, उसको नर्व का प्रॉब्लम है, मुझे तो नहीं है अभी। मैम आप अपनी बात बताइए, आपको है? नहीं, मुझे नहीं, मुझे आंखों के बारे में तकलीफ है मैडम। एक सेकंड अभी वो भी देख लेते हैं आपका। मुझे रेटिना का प्रॉब्लम है, रेटिना। एक सेकंड, आपका रेटिना इशू आ रहा है। खाली इसकी रेटिना की ले लेते हैं। चलिए अब देखिए, आपने रेटिना वाले केस में दो तीन रेमेडी जरूर करनी है। बोलिए मैं। काली गाय है ना, काली गाय। हाँ। आप अगर उसको फीड कर सकते हो ज्यादा से ज्यादा तो आप एक तो वो फीड करेंगे। ओके। अपने पर्स में एक सिल्वर स्क्वायर अपनी मदर से लेके या फिर कोई मदर तुल्य या खरीद के मार्केट से एक सिल्वर का स्क्वायर अपने पास अपने पर्स के अंदर हमेशा रखना है। ओके। आप मॉर्निंग इवनिंग, मैंने रेमेडीज की क्लास में ये बात बताई थी, मॉर्निंग इवनिंग आपने कपूर जरूर जलाना है घर में। हाँ ठीक है। अब आप करोगे क्या? अब आपको हो रही है स्किन, मतलब बेसिकली रेटिना इशू। हाँ रेटिना इशू। अब रेटिना इशू के लिए हम एक उपाय करेंगे, बहुत अच्छे से समझ लेंगे, बहुत सिंपल रेमेडी करेंगे, बहुत सिंपल रेमेडी। आपने लेना है, अब जैसे किसी का रेटिना का ऑपरेशन का भी टेंशन होता है कि रेटिना को ऑपरेट कराने के लिए डॉक्टर कह देते हैं, आपने 2 चम्मच दही ली के, क्या मैडम समझ में? आपने 2 चम्मच दही कर्ड, हाँ, 16 हाँ, किसी भी दिन स्टार्ट करके
आपने सुबह शाम किचन में पानी टैप चलाया और दो मिनट तक आपने दो चम्मच दही ली थी एक कटोरी में, आपने उसको बहा देना है पानी में और तब तक पानी चलाए रखना है जब तक वो पूरी की पूरी उस सिंक में से पूरी की पूरी दही पानी में बह ना जाए। 16 डेज आप इसको करना, आपने 16 डेज दही नहीं खानी है। आप इस उपाय को करो। एक चीज और भी हेल्प कर जाएगा। मैम वो नेटवर्क से चले गए। हाँ जी, आउट ऑफ नेटवर्क हो गए वो। नेटवर्क इशू, वो चले गए, एग्जिट हो गए। आई थिंक वो दैट हैज बीन क्लियर, वो बता दिया था। जी 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 वनीता मैम। राधे राधे जी। जय गुरुजी मैम। जय गुरुजी सर। मुझे ना मेरे बेटे के लिए पूछना है, उसका डेट ऑफ बर्थ है 18/11/2005 जी। सर उसका ना कंसंट्रेशन पावर बिल्कुल वीक है, पढ़ाई लिखाई में भी कुछ नहीं, फोकस बिल्कुल डिस्टर्ब है, तो उसका थोड़ा आप मुझे आइडिया दीजिए। पढ़ने वाले नंबर है नहीं मैडम, 3 भी मिसिंग है, 7 भी मिसिंग है, 492 में 92 आ रहा है, 9 ड्राइवर है, 9 कंडक्टर है। बट अच्छी बात यह है 2005 से 5 का आशीर्वाद आ गया है, तो आपको सबसे पहले क्या करना है, नॉनवेज तो नहीं खाता? नॉनवेज खाता है सर, वो तो उसका फेवरेट। जब तक बंद नहीं कराओगे मैडम कोई आशीर्वाद नहीं मिल सकता। 3 दफा राम स्तुति, 3 दफा हनुमान चालीसा, ये आपने करवाना ही करवाना है बच्चे से। बच्चे के नेम के स्पेलिंग को 1 पे ले जाओ तो सबसे बड़ा आशीर्वाद है। और व्हाइट कपड़े बिल्कुल बंद करवा दो, व्हाइट, ब्लैक एंड डार्क ब्लू बंद करवा दो। चलो इस बात पे एक बात याद है, डियर बोलना नीचे कुछ गधे हैं दुनिया में। डियर क्या करूं, ऐसा शब्द उपयोग नहीं लेना चाहता, पर कहना चाहता हूं। जी जी, एक मैसेज आया था मेरे पास किसी गधे का। ओके, तो बोला कि संदीप सर मुझे काले कपड़े, सफेद कपड़े और ये डॉग और काउ के अंदर ही क्यों करते रहते हैं। जी जी, तो मैं कुछ एक मूर्ख इंसानों को ये बताना चाहता हूँ, इन्हीं छोटे छोटे उपायों से लाखों जन, हजारों की बात नहीं कर रहा हूँ, लाखों का जीवन बदल। ठीक है, मैं तो भाई एक ही बात कहता हूँ कि आप इसके साथ जुड़ के देखो। अरे सर जुड़े हुए हैं सर, वो भी जुड़े, कर वो भी रहे क्योंकि तो शुरुआत उन्होंने मुझसे यही पूछ के आपके वेबिनार। मैं उनको बिल्कुल बताना चाह रहा हूँ कि इन्हीं पे विश्वास करके अगर आप चलते रहोगे, यू कैन चेंज योर लाइफ। इफ यू आर नॉट ट्रस्ट ऑन योर सेल्फ एंड योर रेमेडी और आइदर इन गुरु, अगर आपके अपने गुरु पे उनको ट्रस्ट नहीं है तो आप उससे जीवन बनाओ। चमत्कार नहीं है कोई। हाँ, चमत्कार नहीं है कोई, अगर होता तब तक हम 100 करोड़ अपने लिए इकट्ठे करते, फिर हम क्यों इतनी मगजमारी करते। अगर चमत्कार ही करना था तो प्रभु ये वेबिनार या इसका आपकी लोगों में मदद, तो हम चलो हमारे एक लेवल पे हमने शुरू किया था, हम इससे पैसा कमाने वाली अलग थ्योरी है, पर चमत्कार ही होता तो यहाँ पे आज कोई पंडित ना होता। ठीक है, यहाँ पे कोई कंसल्टेंट नहीं होते, यहाँ न्यूमरोलॉजिस्ट नहीं होते, यहाँ पे कोई आपको टैरो का रीडिंग नहीं दे रहा होता। दैट इज अ पावर ऑफ सॉल्यूशंस। हम सब सॉल्यूशन ओरिएंटेड है। सॉल्यूशन तभी काम करता है जब आप उस पर ट्रस्ट करते हो। ट्रस्ट करते हो, राइट। इंसान भी आपके साथ जुड़े हुए, लोग भी आप पे तब काम करते हैं आपके साथ जब आपके ऊपर उनको विश्वास जुड़ता है या आपको उनका विश्वास। जब हम बच्चे को हवा में उछालते हैं और बच्चा हंसता हुआ नीचे आता है तो वो एक विश्वास है। मेरे को तो आज वो आपने सडनली वो वापस से वो बच्चे का नॉनवेज वाला आया, तो वो नॉनवेज पे ही बात हुई थी, इसलिए मुझे याद आया। तो विनीता मैडम, बेटे को बिल्कुल नॉनवेज बंद करवा दो, जितना हो सके हनुमान जी की शरण में ले आओ, ब्लैक, डार्क ब्लू और व्हाइट कपड़े बच्चे के बंद करवा दो, और थर्सडे के थर्सडे उसको बोलो कि फ्रूटी बांटे। मैं आज भी शाम को जाके फ्रूटी बांट के आया हूँ। ये उन गरीब बच्चों का आशीर्वाद है जो मुझे यहाँ तक लेके आया है। शायद उनके पेरेंट्स उनको एक टाइम का खाना नहीं दे सकते, थर्सडे को वो बच्चे मेरा वेट कर रहे होते हैं कि वो फ्रूटी वाले अंकल आएंगे। मुझे नहीं पता वो ऊपर वाले ने क्या सोचा या उसने मेरी एक ड्यूटी लगा दी है कि थर्सडे तू इन बच्चों को फ्रूटी पिला, फ्राइडे तू इन बच्चों को आइसक्रीम खिला। मुझे नहीं पता क्या होगा क्या नहीं होगा, इसके बारे में मैं नहीं जानता, बट कहीं ना कहीं पे ब्लेसिंग्स जरूर है। थैंक यू सर। थैंक यू। जय गुरु जी।
जय गुरु जी। गौरव भाई जी, गौरव भाई जी, गुरु जी से जय गुरु जी सर, जय गुरु जी, जय गुरु जी डियर, जय गुरु जी सर। सर मेरे पिताजी के डेट ऑफ बर्थ तो है, टाइम मेरे पास नहीं है, उन्हें हार्ट की डिजीज है, दो बार हार्ट अटैक हो चुका है और अभी भी हार्ट का पेन उनको चल रहा है। तो डॉक्टर से जब भी कंसल्ट होता है तो ये पता चलता है कि गैस उनको अटकती है और जिसकी वजह से हार्ट पर पेन होता है और ये ट्रबल होती है और इसकी वजह से उनको वीकनेस बहुत हो जाती है। नीरू मैडम ही इसका आंसर देगी, बट गौरव भाई मैं रिक्वेस्ट ये करूंगा, ये छोटे 5 मिनट के क्वेश्चन आंसर में काम नहीं हो पाएगा। अभी की अभी 2750 रुपए जमा कराओ और 5 दिन की क्लास है नीरू मैडम, पता नहीं शायद कितने लोगों का भला आप कर सकते हो। पर है हम डॉक्टर के पास भी जाते हैं ना तो वो एक बारी के चार्जेस हमारे से 950 रुपए ले लेते हैं एक विजिट के। 2750 में 5 दिन आप नीरू मैडम से 10 घंटे क्लास लेने वाले हो और उसके बाद होल लाइफ का व्हाट्सएप ग्रुप है। नीरू मैडम टाइमिंग नहीं है इनके पास, जरा बताओ कैसे ही अंकल को। देखिए अब प्रॉब्लम पता चल गई ना, वो तो कोई दिक्कत ही नहीं है क्योंकि प्रॉब्लम बतानी चाहिए। यहाँ पे अगर ऐसा केस है तो अगर आपको इशू क्लियर दिख रहा है तो यहाँ पे क्लियर इशू के लिए 2-3 चीजें आपने बिल्कुल उनसे करवानी है जी, बताइए। पहला पॉइंट, आप क्या करवाएंगे ऐसे केस में बिल्कुल अच्छे से लिख लीजिएगा। अगर नीम का, जो आजकल नीम के पेड़ का जो पहले दांतों नाता था ना, आपको मैम क्या कह रहा हूँ, लेकिन मैं यहाँ पे जो रेमेडी की बात कर रही हूँ ना, यहाँ पे बहुत सटीक काम करेगी। नीम का दातुन या नीम पेस्ट से एक तो वो पेस्ट करें, एक रेमेडी है उनके लिए, बहुत सटीक काम करेगी। साथ के साथ जो गरीब लोग जिनके पास जूते चप्पल नहीं है ना पहनने के लिए, आप उनको चप्पल जूते या कुछ भी दान करवाइए। सैटरडे सैटरडे आपने करवाना है इसको जी। एक तो ये बहुत, कितने जोड़ी मैडम, कितने जोड़ी? देखिए सैटरडे सैटरडे आप चाहे हफ्ते में एक बार करा सकते हो, करा लो। महीने में आपने 3 से 4 बार या 5 बार तो कम से कम करवाना है। मतलब आई एम नॉट पुटिंग यू इनटू एनी स्ट्रेस, कोई स्ट्रेस भी नहीं। इकट्ठे 4-5 जोड़ी खरीदी और एक दिन में आपने सैटरडे वाले दिन करवा दिया पापा से, वो भी करवा सकते हो उनका हाथ लगवा के। इट इज पॉसिबल, दैट कैन बी डन एनी टाइम। मतलब आप उसको इकट्ठे कर लो, एक एक हफ्ता करके कर लो, कोई भी इशू नहीं जी। एक बरगद के पेड़ पे दूध चढ़वाना शुरू करवा दीजिए आप जी। आप पापा नहीं जा सकते, आपने पापा के हाथ से एक ग्लास में बरगद, मतलब एक दूध लिया, कच्चा दूध जी, गाय का दूध लिया और बरगद के पेड़ में आपने उसको पोर करना शुरू कर दिया ठीक है। और एक तिलक वहां पे, एक तिलक लगाया है, ये तो हो गया आपका वैसे रेमेडी जी। इसके बाद जो रेमेडी जो आप कह रहे हो ना इस समय कि गैस की वजह से कई बार हाइपर एसिडिटी की वजह से आपको बहुत सारी दिक्कत परेशानी आती है। एक तो पिताजी को कभी भी काले कपड़े पक्का नहीं पहनाने, बिल्कुल नहीं पहनाने, ब्लैक बिल्कुल स्ट्रेट नो है। आपने उर्द साबुत बिल्कुल पापा को नहीं खिलानी है जी। दाल मखनी बिल्कुल भी नहीं खिलानी है कभी भी जी, अवॉइड करा दीजिए। बेसिकली कहने का मतलब ये है कि जितनी भी बाय वाली चीजें हैं जी वो अवॉइड करा दीजिए जी। एक तो ये पॉइंट को मुश्किल काम नहीं है। एक आप चम्मच साबुत उड़द जी एक थोड़ा सा सरसों के तेल से रब करके जी आपने उनको ये लेके टॉयलेट सीट, टॉयलेट पे पहले आपने किचन की उसमें जलाया, उसको बर्नर बर्न किया अच्छे से और टॉयलेट में फ्लश आउट कर दिया 16 दिन सुबह शाम जी। अब ये चीज ख्याल रखिएगा, ये इनको बहुत हेल्प करेगा। बहुत पॉजिटिव मंशा के साथ करवाना जो भी रेमेडी आपको मैं बता रही हूँ ये सारी, बिल्कुल एफर्मेशन इतनी श्योर होनी चाहिए कि आपको इफ एंड बट नहीं होना चाहिए। मैंने हमेशा रेमेडी की क्लास में एक ही बात सभी को बताती हूँ, आपका पूर्ण विश्वास उस रेमेडी को सटीकता से काम करने में सबसे ज्यादा कारगर सिद्ध होता है। इट वर्क्स लाइक अ मिरेकल इफ यू बिलीव। बिलीव सिस्टम हैज टू बी वेरी स्ट्रॉन्ग। आप किसी गुरु से पढ़ते हैं ना, हमेशा एक तो पहली बात
अपने गुरु को बार बार नमन कीजिए। मैं तो मेडिकल एस्ट्रोलॉजी यार जब भी इस लाइन से बात करूंगी मैं राजीव साहब को थैंक यू करूंगी। न्यूमरोलॉजी सबसे पहला मैंने शुरुआत की थी तो की थी बजाज साहब से, बजाज सर से, उनका शैक्षिक धन्यवाद करूंगी और बहुत सारे गुरुओं से मैंने ज्ञान लिया, उन सभी को धन्यवाद। देखिए गुरुओं को धन्यवाद कीजिए और उनकी बात पे विश्वास, उनकी रेस्पेक्ट गिव्स यू मिरेकल रिजल्ट। तो आप इसको कीजिए एंड इसका रिजल्ट पाइए। अच्छा मैडम एक बात पूछनी थी कि बरगद का पेड़ हमारे घर के पास जो मंदिर है उसमें तो अभी नवनिर्मित पेड़ है, मतलब ज्यादा से ज्यादा साल भर पुराना पेड़ होगा, पुराना पेड़ ढूंढना है कि इस वाले पेड़ से कम है? बरगद का पेड़ चाहिए, एज डजंट मैटर इन दैट। बरगद का पेड़ ये साल भर पुराना है उससे कोई इशू नहीं है? हां बिल्कुल, मतलब ज्यादा बड़ा नहीं है वो, कोई इशू नहीं। तो ये जो मतलब जूते चप्पल दान करने का काम है वो भी हम कर सकते हैं उनसे छुआ कर? उनसे छुआ के बिल्कुल आप उनके हाथ से छुआ के कर सकते हैं, वो भी नहा चुके हैं, आप भी नहा धोके बिल्कुल फ्रेश है। आपने ये शुक्ल पक्ष में अगर पकड़ लिया सैटरडे तो बहुत बढ़िया, बल्ले बल्ले आपने 15 दिन की बात है। हाँ जी जी आज फर्स्ट डे है तो 15 दिन की बात है तो 15 दिन बाद शुरू कर, 15 दिन रुक जाइए। अभी तो कृष्ण पक्ष चालू हो गया ना? नहीं आज ही से शुरू हुआ है। कैसे कह सकते हैं आप, पूर्णमासी के बाद क्या होता है? चंद्रमा घटता है, जब बढ़ता है तो चंद्रमा घटता है, जब घटता है तो कृष्ण पक्ष होता है। हाँ जी नहीं तो 15 बाद शुरू होगा ना, कहने का मतलब तो हमारा ये है आपसे। हाँ जी 15 दिन बाद शुभ होगा, तो 15 दिन बाद जब शनिवार आए तब करिएगा। ठीक है जी। मैं उसकी बात कर रही हूँ चप्पल वाली या बैनियन वाली, बरगद के पेड़ वाली। अच्छा जी ये तो आप बिल्कुल शुरू करा दी, 16 दिन करिए, खिलाना नहीं है बिल्कुल भी उनको ये। ठीक है जी। तो बिल्कुल उनकी जिंदगी से ना उनको बिल्कुल क्रॉस लगवा दीजिए, बिल्कुल क्रॉस। और दूसरा मैंने आप लोगों को एक बात और बताई थी कि आप कपूर सुबह शाम एक तो थोड़ा कपूर लेके उनके बेड के साइड पे रख के एक किसी भी कांच के बोल में या वैसे नॉर्मल एक उसमें रख के आप उनके सिराने रखवा दीजिए। जी मैंने नमक तो रखवा रखा था। नमक रखवाइए, बहुत बढ़िया। नमक को आप क्या करते हैं फिर? 15 दिन हो गए थे तो वो मेल्ट हो रहा था तो उसे फ्लश कर दिया था मैंने, आज ही फ्लश करा है। बहुत बढ़िया, ओके मैम। साथ में आप कपूर भी रखवा सकते हैं या कपूर उनके बेड के नीचे, मेड से बोल दीजिएगा झाड़ू नहीं लगाए, कपूर लेके मुट्ठी भर उनके बेड के नीचे, और मेड से बोल दीजिए उसके नीचे झाड़ू नहीं लगाना। ठीक है जी, गॉड ब्लेस। थैंक यू वेरी मच सर, थैंक यू वेरी मच सर। जय गुरुजी। नमिता मैम आपकी आवाज नहीं आ रही, नमिता मैम आपकी आवाज नहीं आ रही। जय गुरुजी। जय गुरुजी मैम। जय गुरुजी। हैप्पी गुरु पूर्णिमा। सेम टू यू मैम, थैंक्स अ लॉट। मम्मी का डेट ऑफ बर्थ है 16th अगस्त 1958। ओके लिखो नीरू मैडम, 16th अगस्त 1958। एक सेकंड रुकिएगा जी। आप प्रॉब्लम बता दो, आप प्रॉब्लम बताओ, नहीं क्या दिक्कत आ रहा है? 15 साल से हाथों में ऐसे नहीं, आई कैन नॉट हियर यू एट ऑल। 15 साल से हाथों में ऐसे इचिंग होती है, ड्राई एक्जिमा है सिर्फ हाथों में और कहीं पे नहीं। और इससे रिलेटेड और क्या दिक्कत परेशानी आप थोड़ा सा बताओ मेरे को। ड्राई एक्जिमा आपने बोला जी? ड्राई एक्जिमा है मतलब इचिंग होता रहता है कभी कभार, जैसे खून का मतलब ज्यादा इच करो तो खून आ जाता है, फिर उसके बाद मतलब इचिंग वो थोड़े टाइम के लिए होता है, फिर उसके बाद जलन होता है, फिर शांत हो जाता है, ऐसे कभी कभार होता रहता है। मतलब 15 साल से ये चल ही रहा है। एनी टाइम मतलब वो कब रात हो, कभी रात में कभी दिन में, ओनली पाम एरिया में ही है। लेकिन देखिए है तो वो इशू ना, एलर्जी है बेसिकली, इसको एलर्जिक भी बोलेंगे, एलर्जी हो रही है उनको। जी 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 एलर्जी रूप ले लेती है उसका। हाँ जी टाइप।
एक तो आप सर ने हमेशा एक चीज बताई है, एक तो पैरट तोते सुने होंगे आपने, तोता जी। मम्मा के हाथ से लेके पांच तोतों को पांच बुधवार जी फ्री करा दीजिए। हर बुधवार एक, हाँ जी हर बुधवार एक तोता। आपकी आवाज मुझे बहुत ही कम आ रही है, आई एम नॉट एबल टू हियर यू। हर बुधवार कह रहे हैं एक तोता या हर पांच, पांच तोते पांच बुधवार। एवरी वेडनेसडे फाइव पैरट्स है मैम, 25 पैरट्स हो गए टोटल जी। और जैसा कि सर बताते, फिर अभी बात आएगी राहुल जी गाय की, गाय को हरा चारा, हरा घास, हरी लीफ वाली पत्तियां जी, उनको बोलिए कि उनके हाथ से टच करवाइए, और या तो वो खुद खिला पाए बहुत अच्छी बात है, नहीं तो आप एज ए डॉटर कोशिश करेंगे करा दे। अच्छा मम्मा नॉनवेज खाती है क्या? नहीं नहीं नहीं, प्योर वेज विदाउट ऑनियन गार्लिक। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, क्योंकि ये एक, ये भी एक प्रॉब्लम दिक्कत परेशानी दिखती है उसके, इसमें हो जाती है ऑनियन गार्लिक। एक आप उनको और काम करा दो जी, आप उनको ना एक कॉपर का कॉइन आता है, अच्छा जी, एक कॉपर का कॉइन, उसको गले में ना उसके ऊपर हुक बना होता है, मिल जाएगा आप किसी उस पे जाओगे ना, एक नॉर्मल शॉप पे कॉपर का कॉइन विद अ हुक, उसके अंदर आप मौली बांध के उनके गले में पहना दो। अच्छा जी, ये भी आप बुधवार वाले दिन करवा दो। अच्छा, और आपको बिल्कुल खिलाना है गाय को, बोले वो किस दिन करना है? वो भी आप डेली करवा सकते तो बहुत अच्छी बात है, तो वेंसडे तो कराई दो। अच्छा, क्वांटिटी ऐसा कुछ है फिक्स? नहीं, कोई क्वांटिटी का इशू नहीं है, आप बिल्कुल आराम से करा सकते हो, कोई भी इशू नहीं जी। आप इसको सीरियस नोट पे एक बात बताऊं, आपको बहुत दिल से करवाना, आपको बहुत इसका रिजल्ट मिलेगा। अब मैं ये क्यों बोल रही हूँ, क्या सोच के बोल रही हूँ, क्या कैसे कैसे कैलकुलेशन मारेंगे, ये सब हम कोर्स में ना बहुत बारीकी से समझेंगे जी जी, क्योंकि होता क्या है जब भी हम वेबिनार की बात करते हैं ना, हियर आई एम, आई कैन नॉट टीच यू, करेक्ट, I can just guide you. जी. When we talk about teaching in a very elaborated manner, बहुत एक system से जैसे पढ़ सकते हैं, तब हम समझ पाएंगे कि कौन सी बीमारी किस किस planet की वजह से आने की problem आती है, और वो कैसे देखी जाती है, कि अगर किसी ने नहीं बताया, जैसे आपके केस में पता चल गया, आपने बताया नहीं, तो मैं डिटेल निकाल के सब कुछ करते तो उसमें कहीं ना कहीं इंडिकेट कर जाता, वो आप लोग कैसे सीखोगे, वो सब हम क्लास में सीखेंगे बारीकी से, कि उसको कैसे जाने कि ये प्रॉब्लम आने का इंडिकेशन है या ये प्रॉब्लम फेस कर रहा है कोई कोई व्यक्ति, विल वर्क दैट आउट जी। थैंक यू मैम, थैंक यू मैम, गॉड ब्लेस, थैंक यू सर जी। राहुल जी है, जो संदीप सर की पूरी प्रोफेशनल न्यूमरोलॉजी क्लास कंप्लीट क्लास आ रही है 18 जुलाई से, ये 3 से 5 और 7:30 से 9:30, दो अमेजिंग तरीके से इसमें एक आपको मिल रहा है पायरा एंटर पूरा सिल्वर का, जिसकी वर्थ वैल्यू है, अभी मेरे ख्याल से सुमित रावली क्लास आई तो नहीं, मेरे व्यस्त वाली यहां पे आई नहीं सर, अभी चालू नहीं हुई है, वो सुमित सर ट्रैवल कर रहे थे राजस्थान, मेरे का वो भी 19 से स्टार्ट होगी फिर, तो वो 19 से इसमें कल सिलेबस में चेंज कर दूंगा सुमित सर, बिल्कुल क्लियर। So, जिन लोगों ने ज्वाइन अभी करते हैं उनको सुमित रावल सर की भी क्लास फ्री में मिलने वाली है, जिसकी वर्थ है 7080 जी, और एक पायरा यंत्र बिल्कुल गिफ्ट मिल रहा है जिसकी वर्थ है 6000 जी डियर, साथ में 3 पीडीएफ निम्रोस्कोप, आपके 10 साल के पूरे न्यूमरोलॉजिकल स्कोप, आपको पूरा निम्रोस्कोप दिया जाता है जिसकी वर्थ वैल्यू 15300। ये कोर्स इस बार आप लोगों के लिए फ्री है प्रॉपर, तो ज्वाइन कर सकते हैं, ज्वाइन करने के लिए आप लोग 7719593000 राइट सर जी डियर। सर एक और 6 जनों का थैंक यू, मैं नाम बताता हूँ सर, 6 पेमेंट आएगी मेरे पास अभी,
क्या बात है, बहुत बहुत बधाई है नीरू मैम की है, प्रियंका जी की। मेरे ख्याल से 75 बच्चे तो ऑलरेडी हमारे बैच में पहले ही थे। टोटल 150 सर, एक बैच में 75 जो आप देख रहे हो जी। बात वाले जी, संदीप सर एक मिनट मुझे दीजिएगा, दो मिनट जी डियर जब तक आप ये एक्सप्लेन कर दीजिए रेमेडी। चलो, क्योंकि नीरू मैडम थोड़ा डिटेल में चेक करती है, जिनको क्वेश्चन मेरे से है वो चाहे तो आप क्वेश्चन मुझसे कर सकते हैं, क्योंकि नीरू मैम को थोड़ी उसकी डिटेल में जाके ही चीजों को क्लैरिटी करनी पड़ती है। विमला मैम जय गुरुजी। गगन सेठ जी जय गुरुजी। जय गुरुजी सर। जी डियर। तो मेरा डेट ऑफ बर्थ है और 9 जनवरी 1998। ओके, तुम्हारा डेट ऑफ बर्थ बोलो। 9 जनवरी 1998। बताओ डियर। जी सर, मेरे को ये प्रॉब्लम है कि पहले पढ़ाई में ठीक से फोकस कर रहा था, लेकिन अभी वो दरअसल फोकस भी हट गया और लेजनेस भी काफी बढ़ गया। जब पढ़ाई करते हो बेटा तो फेस किस तरफ होता है? फेस में ईस्ट की तरफ करता हूँ। उसको थोड़ा सा लेफ्ट करोगे तो नॉर्थ की तरफ होगा, आपकी पीठ साउथ की तरफ चली जाएगी। बहुत बड़ा आशीर्वाद है। एक स्थान फिक्स कर लो कि पीठ आपकी साउथ में, फेस आपका नॉर्थ में, और इसके साथ साथ अपने टेबल पे येलो कलर का क्लॉथ बिछाओ। आप छोटे से गणेश जी रखो अपनी टेबल पे और एक अपना मास्टर पायरा कार्ड लो, वो बहुत जरूरी है आपके लिए, बिकॉज आपके बहुत नंबर मिसिंग है। आपकी ग्रिड में सिर्फ 3 ही नंबर आ रहे हैं, 1, 8, and 9। जी सर। तो आपके सारे के सारे नंबर मिसिंग है। जितना हो सके 3 दफा राम स्तुति और 3 दफा हनुमान चालीसा का पाठ स्टार्ट कर दो। राम स्तुति आपने मॉर्निंग में करनी है स्नान करने के बाद, और जी सर, आपने आपने जो यूट्यूब पे बताया था मैंने वो ही कर रहा हूँ। सुबह नहाने के बाद राम स्तुति 3 बार और रात को अपना मास्टर पायरा कार्ड भी ले लो, और अगर हो सके तो एक बुद्ध पायरा पहन लो, उससे आपको अपॉर्चुनिटीज आनी स्टार्ट हो जाएगी। दरअसल क्या है ना सर, मेरा एक सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब का क्लियर हुआ है, 2 स्टेज और लास्ट 1 स्टेज बाकी है मेडिकल एग्जाम का। ठीक है। तो थोड़ा सा वो फिसर का प्रॉब्लम था मेरे को, उसके लिए भी थोड़ा डिप्रेशन। कोई बात नहीं, अपनी बाल्टी में आप कॉफी डाल के स्नान करना स्टार्ट करो, आपकी नेगेटिविटी दूर हो जाएगी डियर। कॉन्फिडेंस के लिए एक टाइगर आई मंगा लो हमारे ऑफिस से, पहन लो। जी सर। जी डियर। थैंक यू सर। जय गुरु जी। जय गुरु जी डियर। जय गुरु जी। जी हिना मैम। जी हिना मैम। हेलो। हेलो आप मेरी बर्थडे के संदीप सर। जी मैम बताइए। जय गुरु जी। गुरु पुनीकर नमस्कार। जय गुरु जी। मुझे आपसे आशीर्वाद चाहिए, बहुत सारे कोर्सेज आप लोगों के करने हैं लेकिन फाइनेंशियल इश्यू है, डेट है, डेट पूरा। आप रोज अपना एंजल नंबर लिखो ना, एंजल नंबर आशीर्वाद देगा। अरे वाह, बहुत सारे लिखा है लेकिन प्रोग्रेस हो रहा है, लेकिन मुझे बहुत सारे कोर्सेज भी करने हैं, इसमें ही पैसा चला जाता है। शुरुआत करो पहले नीरू मैडम से, नीरू मैडम जो सिखाने वाली है, बहुत बड़ा कोर्स है और इसको स्पेशल डिस्काउंट दिया है राहुल भाई ने, 2750 रुपए में। अभी आप ज्वाइन करो और करके देखो सर। वो करना ही चाहती हूँ लेकिन फंडिंग का ही प्रॉब्लम होता है सर। तो आप बताओ मेरी बर्थ डेट से क्या है प्रॉब्लम, क्या डेट ऑफ बर्थ है? मेरा 27/6 जी 1960। ओके, 66 लेके बैठे हो आप, कहीं कोई परेशानी वैसे नहीं है। अगर आप देखो तो डेट ऑफ बर्थ के अंदर ड्राइवर 9 है, कंडक्टर 4 है। आपको कहीं ना कहीं पे हेल्थ इश्यूज कितना है ये बताओ आप। वैसे तो हेल्थ इश्यू नहीं है, मैं रेमेडीज करती रहती हूँ, होम रेमेडीज सब। ये कहीं ना कहीं पे ब्लड लॉस या एक्सीडेंट होने के चांसेस दिखाता है 9 और 4। एक्सीडेंट तो बहुत सारे हुए छोटे मोटे। हाँ यही बात है, क्योंकि ये कहीं ना कहीं पे एक्सीडेंट दिखाता है। तो आपको आज के बाद कभी भी जो है व्हाइट कपड़े नहीं पहनने, ब्लैक और डार्क ब्लू नहीं पहनने। सबसे पहले नॉन वेज खाते हो ही ना मैम आप? नहीं, एग्स खाती हूँ। एग्स भी छोड़ दो मैम। ओके, क्योंकि आप कहीं ना कहीं पे 9 नंबर वाले हो, जितना इनसे दूर रहोगे उतना बहुत अच्छी ब्लेसिंग्स आएगी आपको।
पूरी रेमेडी 3 दफा राम स्तुति और 3 दफा हनुमान चालीसा करके देखो, आपकी लाइफ में रास्ते ओपन होते जाएंगे। और कर्जा है वो जल्दी से उतर ऐसे। मैम 66 है आपके पास, आप थर्सडे के थर्सडे गरीब बच्चों को फ्रूटी पिलाओ, वो आपके लिए बहुत बड़ा आशीर्वाद होगा। ओके। और इसके साथ साथ आपने क्या करना है, जितना हो सके चींटियों की सेवा करनी है और डॉग्स की सेवा करनी है। ओके। वही आपके लिए कहीं ना कहीं भी ब्लेसिंग्स लेके आएंगे। ओके सर। ओके थैंक यू। ऑल द बेस्ट मैम, ऑल द बेस्ट। आओ ज्वाइन करो कोर्स को, बहुत बहुत आशीर्वाद मिलने वाला है नीरू मैडम से। हाँ मैंने किया अभी 3-4 कोर्सेज तो कर लिए आप लोगों की टीम से, अभी ये भी करना ही है, लेकिन अभी फीस का थोड़ा प्रॉब्लम लग रहा है मुझे, आज रात तक तो नहीं मैनेज हो पाएगा। नहीं, अपने विश जब लिखते हो कुआ नंबर से अपनी विश मांगो, वो पूरा कर देगा। बस एक दिन बढ़ा दो सर ये डिस्काउंट। तो 18 से हो रहा है मैडम, देख लेंगे। राहुल भाई का फोन नंबर आप ले लो, राहुल भाई से बात। ओके ओके सर, थैंक यू सर। राहुल भाई एंजल टाइम हो गया। जी राहुल भाई, जय गुरु जी। राहुल भाई जय गुरु जी। सर आवाज आ रही है मेरी? जी डियर आवाज आ रही है। सॉरी सर, आज के लिए विराम करें सर यहाँ पे। बिल्कुल डियर, ऑलमोस्ट 2 आवर्स से ऊपर हो गया। बिल्कुल 2 घंटे से ऊपर हो गया डियर। सो कल फिर एक वेबिनार है, आप ज्वाइन करें, मेडिकल पे ही है, मेडिकल न्यूमरोलॉजी पे ही है कल, तो आप ज्वाइन करें। तो कल हम दोनों चीजें समझेंगे कि कैसे हमारे जीवन में कैसे मेडिकल की ट्रम्प से हम बाहर निकल सकते हैं इजी मोड से। हमको खेल का सिर्फ आपकी तरफ एक ही ध्यान है कि आप लोगों को इजी सॉल्यूशन प्रोवाइड कराएं ताकि आपकी लाइफ स्मूथ एंड बेटर हो, राइट। सर इजाजत है आज के लिए। बिल्कुल डियर, बिल्कुल इजाजत है। दिल से उन सबसे क्षमा चाहते हैं जिनका आज क्वेश्चन आंसर नहीं ले पाए। सेम आईडी सेम पासवर्ड, आपको ये याद रखना है कि सेम आईडी सेम पासवर्ड से आप कल रात को फिर ज्वाइन कर सकते हैं। सर आपको 9:05 रिसीव 2750 रुपीस ऑन गूगल पे फॉर बिजनेस। जी राहुल भाई, सो थैंक यू नीरू मैम जस्ट गिविंग दिस वंडरफुल नॉलेज आज के लिए। थैंक यू नीरू जी। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। थैंक यू संदीप सर, थैंक यू ऑल सो मच। थैंक यू टू एवरीवन बीइंग हियर। थैंक यू राधे राधे, राधे राधे, जय गुरु जी। आप स्वस्थ रहे यही कामना हम लोग करते हैं अंकों के खेल पे। राधे राधे टू ऑल, जय गुरु जी टू ऑल। जय गुरु जी डियर, जय गुरु, जय गुरु राधे, जय गुरु जी, जय गुरु जी सर जी, जय गुरु 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 जी।